चलिए दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अब प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा जो चल रहा है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास और इतिहास के अंतर्गत हमारी जो है जैसे कि जो हमारा एम है एम पी पी एस इसके लिए हमारा कंप्लीट जो है मेंस का कोर्स चल रहा है तो इसमें आप देख सकते हैं जो चार यूनिट है यानी कि एक दो तीन चार जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जो पाँचवीं यूनिट है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो रियासतें हैं और कुछ जो राजवंश है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो ये कंप्लीट लेक्चर मतलब हम देखेंगे कंप्लीट ही कंप्लीट जो एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि आपको टोटल छः रियासतें देखने को मिलेगी तो यहाँ हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं जो सारी चीज़ है जैसे कि यूनिट हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है यूनिट टू भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है यूनिट थ्री भी इसके अलावा यूनिट फोर तो यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट फाइव के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें हैं जिसमें हम पढ़ेंगे गोंडवाना बुंदेली बघेली इसके अलावा होलकर सिंधिया और भोपाल रियासत तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे वर्तमान यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक की जो सारी चीज़ है और वर्तमान परिदृश्य में वो लोकेशन कहाँ कहाँ पर है ये सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं यहाँ ये यह हमारा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम सारी रियासतें पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं बुंदेलखंड के बारे में तो आप बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ भिंड में देख सकते सॉरी भिंड दतिया में देख सकते हैं यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ दतिया में आपको देखने को मिलेगा ये वाला हिस्सा और कुछ आपको इधर देखने को मिलेगा तो इस भाग की अगर बात करें तो ये बुंदेलखंड हुआ करता था हालांकि कुछ हिस्सा इसका हमको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है परंतु हम अभी पढ़ रहे हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में तो मध्य प्रदेश में ये वाला भाग आपको बुंदेलखंड का एरिया देखने को मिलेगा इसके अलावा जो रीवा के आसपास वाला क्षेत्र है मैन तो राजधानी रीवा थी बघेलखंड की तो बघेलखंड वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं ये और अगर बात करें हम गोंडवाना की तो गोंडवाना आपको देखिए यहाँ मंडला सिवनी बालाघाट के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ सतपुड़ा और जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी उसके बीचों बीच में आपको गोंडवाना जो राजवंश है गढ़ा राजवंश जिसे हम बोलते हैं ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा और भोपाल तो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है तो भोपाल रियासत यहाँ देखने को मिलेगी और इंदौर में आपको होलकर देखने को मिलेंगे ठीक है और इसके अलावा जो ग्वालियर है ग्वालियर में किस राजवंश का शासन था सिंधिया का था हालांकि ये जो होलकर है और सिंधिया है मराठों के ही कुछ ब्रांचेस थी जो अलग अलग भागों में डिवाइड होकर अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना राजवंश स्टार्ट कर दिया तो यहाँ हम एक एक करके देखने वाले हैं तो सबसे पहला हमारा जो रियासत है या साम्राज्य है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है गोंडवाना साम्राज्य तो गोंडवाना की अगर बात करें हम यहाँ पर तो गोंडवाना आपको कहाँ देखने को मिलेगा ये आपको दिख रही है देखिए ये आपको सतपुड़ा श्रेणी दिख रही है कहाँ पे नीचे की तरफ ये वाली और ऊपर आपको बिंद्याचल श्रेणी दिख रही तो बिन्ध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच में आपको गोंडवाना जो साम्राज्य है उसका शासन देखने को मिलेगा जहाँ पे इनने शासन किया है कुछ जानकारी देख लेते हैं इसके इतिहास के बारे में तो यहाँ हमको गोंडवाना के संबंध में कुछ जानकारी देखते हैं जैसे इतिहास की अगर बात करें गोंडवाना के तो जो मध्य भारत है मध्य भारत के गोंडवाना साम्राज्य का इतिहास काफ़ी प्राचीन है बहुत प्राचीन है और इस साम्राज्य की जो नीव है उसकी अगर बात करें हम यहाँ पर तो दूसरी शताब्दी के आसपास मतलब लगभग दूसरी शताब्दी में इसकी नीव रखी गई थी यानी कि स्थापना की जो शुरुआत की गई थी वो दूसरी शताब्दी में की गई थी और इस साम्राज्य में अगर देखें हम तो बहुत से महान वीर राजा हुए हैं महान वीर राजा और साथ में कुछ वीरांगनाएँ भी हुई है जैसे कि दुर्गावती की अगर बात करें हम तो ये काफ़ी प्रसिद्ध थे और भारतवर्ष के इतिहास में अपनी उपलब्धियों एवं जो बलिदान है उसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं इसके अलावा इसी समय अगर देखें हम गोंडवाना के समय तो मध्य भारत के राज्य में काफ़ी सुख समृद्धि हुआ करती थी इसके अलावा राजाओं द्वारा प्रजा और व्यापारियों से जो है कर नहीं लगाए जाते मतलब प्रजा और व्यापारियों पर अनावश्यक कर नहीं लगाए जाते जितना उचित है उतना ही कर यहाँ पर लगाया जाता था टैक्स जिसे हम बोलते हैं युद्ध और जीविका जो उपार्जन है उसके कार्यों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी यहाँ पर हमको काफ़ी अच्छा जो भागीदारी है वो देखने को मिलती है नागरिकों के जीवन यापन की अगर बात करें हम तो आ, जो उपरोक्त हमने सारी चीज़ें देखें उसी वजह से जो नागरिक है नागरिकों का जीवन यापन यहाँ पर आसान था काफ़ी इसके अलावा गोंडवाना साम्राज्य में अलग अलग वंश के स्वतंत्र गोंड राजाओं के राज्य थे और उन्हीं में अगर देखें तो एक राजा थे जिनका नाम था यादव राव इनका नाम था यादव राव यादव राव या यादव राय हम इसे बोलते हैं तो इनका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था मतलब जो गोंडवाना साम्राज्य है उसमें हम देखें सबसे लंबा कार्यकाल तो यादव राय जो है उस इन्हीं का था तो यहाँ हम मैप में अगर देखें तो मैप में आपको यहाँ कहीं जो है ये वाले भाग में गोंडवाना साम्राज्य की जो है मतलब उसका शासन यहाँ देखने को मिलेगा अब बात करते हैं हम राजवंश की शुरुआत तो गोंडवाना जो राजवंश है उसकी शुरुआत देख सकते हैं हम देखें आ, आपको यहाँ देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ये आपको बालाघाट दिख रहा है और बालाघाट को और अगर विस्तार से देखें तो यहाँ आपको देख सकते हैं बालाघाट ये बड़े रूप में आपको दिख रहा है पूरा मतलब कंप्लीट एक जिला की बात करें आ, जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से भी छूती है और महाराष्ट्र से भी छूती है ठीक है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है इधर आप छत्तीसगढ़ की बात करें और यहाँ पे महाराष्ट्र की तो ये बालाघाट देख लिए यहाँ पे हमने कंप्लीट देख लिया बालाघाट बालाघाट में ही एक तहसील थी जिसका नाम था लांजी ठीक है ये आप देख सकते हैं लांजी तहसील थी किनारे में कहाँ पे छत्तीसगढ़ के किनारे में अब आ, जो लांजी था आ, लांजी में ही हम अगर देखें तो ये अब बड़ा करके देख सकते हो और यहाँ पर जो लांजी थी लांजी में आ, करीब अठारह वर्ष पहले की बात करें तो यहाँ पर हमको एक राजा देखने को मिला था मतलब एक राजा का शासन था यहाँ पे लांजी में 1800 वर्ष पहले एक राजा का शासन हुआ करता था और लांजी जो था लांजी राज्य उसकी सीमा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश मतलब एक प्रकार से उत्तर में हम देखें तो यहाँ पे जैसे यहाँ देख सकते हैं ये है हमारा बालाघाट तो उत्तर में हम देखें तो ये इसकी जो सीमा है कुछ जबलपुर वाला जो क्षेत्र था उस समय मतलब आज की डेट में जबलपुर बोलें तो जो गढ़ा नाम का था यहाँ हम देखें गढ़ा नाम का एक क्षेत्र था अगर बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में ये जबलपुर के नाम से जाना जाएगा ऊपर मतलब उत्तर में गढ़ा नाम के जो क्षेत्र है उससे उस सीमा तक इसका विस्तार था और यहाँ पर अगर देखें तो दक्षिण भारत में मतलब जो गढ़ा था गढ़ा में एक व्यक्ति आया था दक्षिण भारत से जो कि एक पराक्रमी योद्धा था उसका नाम था यादव राव ठीक है तो ये गढ़ा में आया और अपनी सेवा देने लगा ठीक है यादव राव को मतलब जो है यहाँ के जो राजा थे जो राजा का शासन हुआ करता था यहाँ पर उन्होंने गढ़ा में तैनात किया किसको यादव राय को यादव राव बहुत पराक्रमी और राजकार में काफ़ी कुशल था और यादव राव के पराक्रम और योग्यता को देखकर जो लांजीगढ़ है उसके राजा काफ़ी प्रभावित हुए और जो यादव राव है इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया यादव राय से और यादव राय को मतलब पुरस्कार स्वरूप क्या दिया भेंट स्वरूप गढ़ा क्षेत्र को प्रदान कर लिया जो गढ़ा क्षेत्र है किसको मिल गया यादव राय को तो यादव राय ने यहीं पे मतलब एक प्रकार से मरावी जिसे हम बोल सकते हैं मरावी या फिर मरावी इस राजवंश की शुरुआत किसने की जो यादव राय है उन्होंने की अब यहाँ हम सिंपली देखें तो इन्होंने यहाँ शुरुआत कर ली और इसके अलावा देखें तो जो गोंडवाना साम्राज्य था उसकी यहाँ बात कर सकते हैं हम देखिए पंद्रहवीं सदी के प्रारंभ में अगर देखें तो जो गढ़ा और गढ़ कटंगा और गढ़ा मंडला इन सभी नामों से किसको जाना जाता था गोंडवाना को ठीक है गोंडवाना को जाना जाता था और ये कहाँ देखने को मिलता है ये बिंद्याचल व सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य आपको देखने को मिलता है यहाँ पर ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले क्षेत्र में जो गढ़ मंडला है या फिर गढ़ गढ़ कटंगा है या गढ़ा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जबलपुर जो कि वर्तमान में है ये सारे हम यहाँ देख सकते हैं और इसके अलावा जो गौंड राजा थे मतलब इनके बीच में अगर देखें तो गौंड राजा का समृद्ध राज यहाँ पर स्थित था और रामनगर एक संस्कृत अभिलेख है रामनगर का जिसके अंतर्गत अगर देखें तो जो यादव राय है यादव राय कौन था जिन्होंने इस राजवंश की शुरुआत की थी तो इससे लेकर यानी कि यादव राय से लेकर हृदय शाह तक अगर देखें तो टोटल हमको चौवन शासक देखने को मिलते हैं तो टोटल चौवन शासक को के द्वारा इस साम्राज्य में क्या किया गया शासन किया गया यानी टोटल चौवन शासक हुए हैं जिनमें से प्रमुख हम अभी देखेंगे इसके अलावा जो शिला लेख है कौन सा रामनगर का संस्कृत शिलालेख सोलह सौ में जो गढ़ा के शासक थे गढ़ा के शासक का नाम क्या था हरदा साल इनके समय काल में जो है इसको उत्कीर्ण किया गया था या इनके शासनकाल में इसको उत्कीर्ण किया गया था किसको रामनगर का संस्कृत शिलालेख को और गढ़ा राज्य के महानतम शासक की अगर बात करें तो उनका नाम है संग्राम सिंह संग्राम सिंह सबसे महानतम शासक हुए हैं गढ़ा शासन मतलब गढ़ा साम्राज्य की अगर बात करें तो और इन्हीं के सिक्कों में मतलब एक प्रकार से इनके समय काल में कुछ सिक्के बनवाए गए होंगे हाँ तो उन उन सिक्कों में संग्राम सिंह को क्या बोला गया है पुलसवंशी बोला गया है तो ये भी आप याद रख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके अलावा पंद्रह से पंद्रह तक इनका जो है एक प्रकार से आ, जो व्यक्ति है मतलब एक प्रकार से अगर देखें जो आ, संग्राम सिंह है संग्राम सिंह को आम्हण दास यानी कि इनका एक और नाम था यहाँ आप देख सकते हैं आमन दास इनका नाम था यानी कि आमन दास हम बोल सकते हैं संग्राम सिंह तो इन्होंने 1510 से 1513 सौ ईस्वी के मध्य जो सती लेक है सती लेक कहाँ पर है सागर की सागर में आप देख सकते हैं सती लेख के आधार पर ये सिंहासन पर बैठे थे ठीक है और संग्राम सिंह की उपाधि इनको मिली थी 1516 में ठीक है ये आप याद रख सकते हैं इसके अलावा जो रामनगर शिला लेख है हमने अभी देखे रामनगर शिला लेख के बारे में जो रामनगर शिला लेख है इसके अलावा गणेश नप वर्णनम ये जो है मतलब दो शिला लेख है रामनगर का संस्कृत शिला लेख और गणेश नप वर्णनम ये दो शिला लेख दो शिला लेख में अगर देखें तो इनमें जानकारी तो हमको क्या मिलती है जो संग्राम सिंह था महानतम शासक उसके अधिकार क्षेत्र में बावनगढ़ थे ठीक है बावनगढ़ यानी कि बावन क्षेत्र रहा ठीक है बावन क्षेत्र रहे होंगे और जो संग्राम सिंह है उसकी मृत्यु हो गई कब पंद्रह में तो उसके पश्चात उसके कुछ उत्तराधिकारी आए हैं तो हम टोटल पहले उत्तराधिकारी जो एक लिस्ट है उसके बारे में यहाँ जान लेते हैं देखिए ये देख सकते हैं आप देखिए कुछ या यादव या राव ठीक है यादव राव जिसे बोलते थे, थे और यह आप देख सकते हैं बावन वर्ष इसने शासन किया है इसके अलावा बाक़ी आप देख सकते हैं गोरक्ष गोरक्ष दास है अर्जुन दास है संग्राम सिंह दलपत सिंह हैं नारायण, चंद्र शाह मधुकर शाह प्रेम शाह हृदय शाह छत्र शाह केसरी शाह हरि सिंह पहाड़ सिंह नरेंद्र शाह महाराज शाह शिवराज शाह इसके अलावा दुर्जन शाह निजाम शाह महिपाल शाह नरहरी शाह सुमेर शाह इसके अलावा नरहरी पुनः यानी कि द्वितीय रूप में ये आए थे इसके अलावा कुछ और है टोटल मिलाकर हमने अभी बात करे थे टोटल चौवन है कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं आप इनको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके ठीक है तो चलिए आगे देख लेते हैं हम कुछ उत्तराधिकारी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट हमारे सामने हैं उसके अलावा हम फिर जो है आगे हम देखेंगे तो जैसे ही उनकी मृत्यु हुई आ, किसकी संग्राम सा की ठीक सॉरी ये यहाँ पे हम देख सकते हैं जो महानतम शासक है मतलब जो संग्राम शाह है संग्राम शाह की मृत्यु हो जाती है तो संग्राम शाह की मृत्यु के, के पश्चात हम देख सकते हैं उनका उनके बाद में कौन आता है दलपत शाह तो दलपत शाह हम देख सकते हैं देखिए पंद्रह में ये शासन मतलब इन्होंने जो है राजगद्दी संभाली और इनकी मृत्यु हो गई पंद्रह में किसकी दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और इसके बाद उनकी जो विधवा रहती है जिनका नाम है दुर्गावती रानी दुर्गावती के नाम से जिन्हें हम जानते हैं तो इन्होंने जो राज्य है राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली अब अपने हाथ में क्यों ली क्योंकि इनका जो पुत्र था पुत्र का नाम था वीर नारायण और ये नवजात पुत्र था तो नवजात पुत्र को एक प्रकार से इन्होंने शासक घोषित किया यानी कि जो दो व्यक्ति थे अधिकारी किन के दुर्गावती के एक था आधार कायस्थ और एक मान ब्राह्मण ये दो व्यक्तियों की सलाह पर जो वीर नारायण था किसका पुत्र था दलपत साय या दुर्गावती दोनों का तो इसको इन्होंने राज सिंहासन पर बैठाला और उसके नाम पर इन्होंने शासन की भागडोर संभाली किसने रानी दुर्गावती ने इसके अलावा अगर देखें तो जो मुगल यानी कि एक प्रकार से अगर देखें अकबर की बात करें तो उस जो मानिकपुर था मानिकपुर के मुग़ल सूबेदार थे मुग़ल सूबेदार का नाम था आसाफ खां ठीक है क्या नाम था आसाफ खां तो आसाफ खां ने शाही आज्ञा लिया और गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया गढ़ा राज्य पर जो है आक्रमण किसके समय हुआ रानी दुर्गावती के समय हुआ यहाँ पे जो रानी दुर्गावती थी रानी दुर्गावती ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपनी कटार या जो चाकू रहता है, है उसी से उसको गोप कर आत्महत्या कर ली ठीक है तो जो अकबर था अकबर ने गढ़ा राज्य को अपने सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था परंतु जो दलपत शाह था दलपत शाह हम देख सकते हैं इसका नवजात पुत्र ये शासन मतलब ये राज सिंहासन पर बैठा और शासन की बागडोर किसने संभाली रानी दुर्गावती ने परंतु दलपत शाह का ही भाई था जिसका नाम था चंद्र शाह तो जो चंद्र शाह था शाह ने बादशाह से अनुमति लेकर जो गढ़ थे बादशाह मतलब अकबर अकबर ने ये सारे साम्राज्य को जीत लिया था तो शाह जो कि दलपत शाह का भाई था इसने जो मुगल यानी कि जो एक प्रकार से बादशाह है बादशाह से आज्ञा लेकर दस जो सूबे हैं यानी कि एक प्रकार से अगर देखें तो दस क्षेत्र है या दस गढ़ है उन पर राज किया तो देख सकते हैं रायसेन है, है कारूबाग है कुरुवाई भोपाल भोरासा गढ़ गुनौर बारीगढ़ चौकीगढ़ राहतगढ़ मकराई ये जो दस है दस पर शासन किसने किया चंद्र शाह ने ये किसका भाई था दलपत शाह का और अकबर से इन्होंने अकेली थी यानी कि बादशाह से ठीक है और कब तक शासन किया ये भी आप देख सकते हैं पंद्रह तक इसने शासन किया इसके बाद आ, इसका छोटा पुत्र है, जिसका नाम था मधुकर शाह ठीक है तो ये चंद्रशाह का छोटा पुत्र था ये आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजी चंद्र शाह का छोटा पुत्र था ये और इसके शासनकाल में एक प्रकार से अगर देखें पीतल के चौकोर सिक्के प्राप्त हुए हैं ठीक है इसी के शासनकाल के यानी कि मधुकर शाह के और संबत् सोलह सौ की अगर बात करें तो सिक्के में हमको एक तरफ़ देवनागरी लिपि में श्री कृष्ण श्री मधुकर शाह देखने को मिलता है और दूसरी तरफ देवनागरी में ही गढ़ागढ़ सम संबत सोलह और फारसी लिपि में हमको मधुकर शाह देखने को मिलता है किसके समय काल में मधुकर शाह के समय काल में और फाइनली हम देख सकते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है 1731 में ठीक है अब आगे देखें तो मधुकर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र है जिसका नाम था शिवराज शाह तो शिवराज शाह यहाँ पर हम देख सकते हैं ये शासक बना और कब बना था ये सत्रह में मधुकर शाह का पुत्र था इसके अलावा अगर देखें तो सत्रह में क्या हुआ सत्रह में यहाँ पर पे पेशवा का आक्रमण हुआ था किसके समय में शिवराज शाह के समय में आ, मंडला के दुर्ग को उन्होंने जीत लिया किसने पेशवा ने आक्रमण करके साथ में हम देखें शिवराज शाह की मृत्यु हो जाती है और बाद में जो दुर्ग शाह है दुर्ग शाह सत्ता पर बैठता है कब सत्रह में परंतु हम देख सकते हैं इसकी भी हत्या कर दी गई किसकी दुर्ग शाह की और इसके बाद जो निजाम शाह है आ, निजाम शाह गढ़ा का शासक बनता है अब निजाम शाह की अगर बात करें तो इसने जो है गजेंद्र मोक्ष नामक जो संस्कृत काव्य है आ, हम देख सकते हैं आ, जो कि एक, एक प्रकार से काव्य संग्रह है और इसके एक प्रकार से देखें तो इसके रचयिता है संस्कृत कवि जिनका नाम है आ, जो लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित है वह नाम था ठीक है ये संस्कृत कवि थे इनको सं, संरक्षण देने का काम कौन करता है निजाम शाह तो आप देख सकते हैं गजेंद्र मोक्ष नामक का संस्कृत काव्य संग्रह किसने लिखा आ, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने और ये संस्कृत कवि थे इनको संरक्षण प्रदान किया निजाम शाह ने इसके अलावा अंतिम जो गौण शासक हम देख सकते हैं नरहरी शाह तो नरहरी शाह जो है अंतिम गौण शासक था और सत्रह सौ इक्यासी की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मराठों का जो है मराठा शासकों का अधिपत्य यहाँ पे स्थापित हो गया यानी कि एक प्रकार से मराठों ने कैप्चर कर लिया पूरा गौंड साम्राज्य को तो ये सारी कहानी थी एक प्रकार से अगर देखें हम तो गोंडवाना साम्राज्य के बारे में कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं अब कुछ जानकारी और देख लेते हैं हम जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जैसे बीरांगनाओं का योगदान जो कि हमने पहले देख लिए हैं दुर्गावती के बारे में तो वो भी हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं जो गोंडवाना साम्राज्य है मतलब गोंडवाना साम्राज्य था उसके उत्थान और संचालन में जो बीरांगनाएँ थी उनका काफ़ी अमूल्य योगदान हमको देखने को मिलता है और महाराजा संग्राम सिंह के बाद जो हम देख सकते हैं उनके पुत्र है दलपत शाह गढ़ा राज्य का शासन संभाला था आगे बढ़ाया था और महाराजा दलपत शाह मात्र अठारह साल ही इन्होंने शासन किया और दुर्भाग्यवश जो है उनको बीमारी के कारण उनका निधन हो जाता है और इसके पश्चात हमने देखे थे अभी महारानी दुर्गावती और इनके पुत्र इनका एक पुत्र था वीर नारायण सिंह वो नवजात था और उसी का राज्याभिषेक किया और उसी के आ, नाम पर इन्होंने राज्य की बागडोर या शासन की बागडोर संभाली इनका साम्राज्य विशाल था और वे किसी भी गढ़ का गढ़ को अपना राजधानी बना सकती थी इतनी पावरफुल हुआ करती थी महारानी ने विरासत में एक प्रकार से मिली जो समृद्धि थी उसके उसके कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रजा हित में काफ़ी अनेक कार्य हम देख सकते हैं उनके समय काल में और इन्होंने पानी की आपूर्ति के लिए तालाब और कुओं का निर्माण भी कराया और इसी के अनुसार देखें तो तालाब और कुओं के कारण कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ और गढ़ा राज्य का वैभव और भी बढ़ने लगा और जो मांडू है मांडू के शासक हुआ करते थे इन्हीं के समय जिनका नाम था बाज बहादुर ठीक है आपने नाम भी सुना होगा आ, बाज बहादुर हुआ करते थे मांडू के शासक ठीक है तो इन्होंने जो है गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया किसके समय पर रानी दुर्गावती के समय पर परंतु उनको हार का सामना करना पड़ा किन को बाज बहादुर को ठीक है कई बार उन्होंने आक्रमण किया परंतु हर बार उनको आक्रमण मतलब हार का सामना करना पड़ा और ये आप देख सकते हैं रानी दुर्गावती का किला आपको देखने को मिल रहा है यहाँ फ़ोटो में इसके अलावा हम इन्हीं के काल में देखें तो जो अकबर था अकबर ने मतलब जो बादशाह था अकबर मुगल साम्राज्य का उसके मतलब जो था आसफ खां आसफ खां ने यहाँ पे एक प्रकार से आक्रमण करा गढ़ा साम्राज्य पर और इन्होंने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जो कटार है उसको गोप कर अपनी एक प्रकार से हत्या कर ली खुद ने तो ये सारी कहानी हमने अभी पीछे भी देखे थे तो काफ़ी योगदान हमको देखने को मिलता है अभिरांगनाओं का जो मतलब एक प्रकार से देखें गोंडवाना साम्राज्य में तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्या गोंडवाना साम्राज्य के बारे में हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में जानी इसके अलावा हम अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड या बुंदेला वंश तो हम पढ़ने वाले हैं अब जो नेक्स्ट रियासत है हमारी बुंदेलखंड या बुंदेला वंश के बारे में तो हम देख सकते हैं एक बग, एक बार जो बुंदेलखंड है उसका एक क्षेत्र है तो यहाँ देख सकते देखिए उत्तर प्रदेश हमको देखने को मिलेगा और ये मध्य प्रदेश तो कुछ भाग इसका कुछ भाग मतलब ज़्यादातर भाग हमको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा और कुछ भाग हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा तो पूरा कंप्लीट हम यहाँ साइड में देख सकते हैं बुंदेलखंड के बारे में मध्य प्रदेश में तो दतिया का कुछ भाग देखने को मिलता है और बाकी आप देख सकते हैं सागर दमोह पन्ना छतरपुर और टीकमगढ़ आज की डेट में एक और जोड़ सकते हैं हम यहाँ पर निवाड़ी ठीक है तो ये कंप्लीट एरिया हमको देखने को मिलता है बुंदेलखंड या बुंदेला वंश के बारे में तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं चलिए यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ इतिहास के बारे में इसका तो बहुत सारे जो पुरातात्विक साहित्यिक शोध है उनमें काफ़ी हम देख सकते हैं नए नए तथ्य प्रस्तुत किए गए और भारतवर्ष के समय हम देख सकते हैं इतिहास में इतिहास से एक प्रकार से अगर देखें तो पुनरावलोकन जो या पुनर पुनरालेखन यानी कि फिर से लिखने की यहाँ आवश्यकता प्रतीत होती है अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें और बुंदेलखंड का इतिहास हम देखें तो इसी प्रकार नए नए शोधों के संदर्भ में यहाँ पर तथ्य प्रस्तुत कर करता है और बुंदेलखंड शब्द की अगर बात करें तो बुंदेलखंड शब्द मध्यकाल से पहले जो है इस नाम से प्रयोग में नहीं आया और इसी मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो इसके विविध नाम और इनके उपयोग आधुनिक युग में भी हुए हैं और यहाँ देखें बीसवीं शताब्दी की अगर बात करें तो इसके प्रारंभ में हमको इसका इतिहास देखने को मिलता है आ, किसके द्वारा लिखा गया आ, राय बहादुर महाराजा के द्वारा ठीक है राय बहादुर महाराज सिंह के द्वारा ये लिखा गया है ठीक है मुख्य रूप से इसमें हमको जो बुंदेलखंड है बुंदेलखंड की कुछ जागीरों का वर्णन मिलता है और जागीरों के साथ साथ वहाँ के शासकों का वर्णन मिलता है किसके द्वारा लिखा गया है राय बहादुर महाराज सिंह के द्वारा इसके अलावा कुछ कुछ और अन्य व्यक्ति है जिनके द्वारा एक प्रकार से यहाँ पे अलग अलग इतिहास लिखा गया है किसका बुंदेलखंड का तो हम देख सकते हैं जैसे सबसे पहले बात करें दीवान प्रतिपाल सिंह और कवि कृष्ण ये दो व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पे इतिहास लिखा गया है तो यहाँ देखिए इन्होंने जो है अपने स्रोतों से बुंदेलखंड के इतिहास लिखे परंतु वे विद्वान भी एक प्रकार से अगर देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक चेतनाओं के प्रति जो है एक प्रकार से इसके प्रति उदासीन रहे हैं इसके अलावा पंडित हरिहर निवास द्विवेदी की अगर बात करें तो इन्होंने भी मध्य भारत का इतिहास ग्रंथ में बुंदेलखंड की जो राजनीतिक है एक प्रकार से राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा की है और इस ग्रंथ में हम देख सकते हैं कुछ स्थानों पर बुंदेलखंड का इतिहास हमको देखने को मिलता है एक और पर्सन है पंडित गोरेलाल तिवारी तो एक प्रकार से इनका उत्तम प्रयास माना जाता है और बुंदेलखंड का इन्होंने संक्षिप्त इतिहास लिखा है अब यहाँ देखें तो जो संक्षिप्त इतिहास लिखा जो अब तक के ग्रंथों में सबसे अलग था परंतु जो तिवारी थे यानी कि पंडित गोरेलाल तिवारी थे इन्होंने बुंदेलखंड का इतिहास समाजशास्त्रीय आधार पर लिख कर केवल जो राजनीतिक घटना है उसके आधार पर लिखा ऐसा माना जाता है इसके अलावा बुंदेलखंड जो है सुदूर अतीत में हम देखें तो सावर कोल किरात पुलिंद और निषाद का प्रवेश हुआ यहाँ पर और आर्यों के मध्य देश में आने पर जनजातियों ने प्रतिरोध किया काफ़ी वैदिक काल में अगर देखें तो वैदिक काल से बुंदेलों के शासन काल तक 2000 वर्षों में इस प्रदेश पर अनेक जातियों और राजवंशों ने शासन किया इसके अलावा अपनी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से इन जातियों के मूल संस्कारों को काफ़ी प्रभावित किया है साथ ही हम देख सकते हैं विभिन्न शासकों ने भी यहाँ पर शासन विभिन्न शासकों की अगर बात करें तो मौर्य सुंग शक होन कुषाण नाग बाकाटक गुप्त कलचुरी चंदेल अफगान मुगल बुंदेला बघेल गोंड मराठ और जो अंग्रेज मुख्य थे इन्होंने हम देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से शासक हुए हैं और ईसा पूर्व तीन सौ इक्कीस की अगर बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं वैदिक काल से काल तक वैदिक काल से काल तक का जो इतिहास है बुंदेलखंड का पौराणिक इतिहास माना जाता है और इसके समस्त आधार हम देख सकते हैं पौराणिक ग्रंथ भी है तो ये कंप्लीट संक्षिप्त हमने देखे हैं इसके इतिहास के बारे में जो कि देखें और जो बुंदेलखंड साम्राज्य है या फिर जो रियासत है उसकी स्थापना की बात करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं स्थापना के बारे में तो जो बुंदेला शासक थे जिनका नाम था सुहपान ठीक है इन्होंने खंगारों को पराजित किया और बुंदेला राज्य की स्थापना की इसके अलावा बीर बुंदेला जो थे बीर बुंदेला की अगर बात करें तो तेरहवीं सदी में जो एक स्थान था मऊ महोनी मऊ मौ महोनी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और जो बुंदेलखंड है बुंदेलखंड में अपना राज स्थापित किया मतलब मऊ मोहनी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाकर बुंदेलखंड में राज को स्थापित किया और उसके बाद एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था अर्जुन पाल इनके उत्तराधिकारी थे ठीक है उत्तराधिकारी आगे और देखेंगे ये सभी तो जो अर्जुन पाल थे अर्जुन पाल की अगर बात करें तो अर्जुन पाल ने भी ये जो मऊ मोहनी है इसके आसपास के सभी क्षेत्रों पर क्या कर लिया आधिपत्य कर लिया मतलब अधिकार कर लिया अधिकार करके स्थाप अपने साम्राज्य में मिला लिया साथ में हम देख सकते हैं एक और चीज़ यहाँ देख सकते हैं देखिए 1231 में ये जो है इनका निधन हो जाता है और इनके आ, मतलब इसके पश्चात इनका पुत्र है तो पुत्र का नाम जो था आ, बीरपाल तो बीरपाल यहाँ सासा के रूप में आता है कहाँ पे बुंदेलखंड में 1231 में और आ, इस वंश के कुछ अन्य उत्तराधिकारी की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ देखिए सहजेंद्र नानक देव पृथ्वीराज रामचंद्र मेदनीमल अर्जुन देव मलखान सिंह बुंदेला ये जो थे सभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ उत्तराधिकारी हुए हैं और इसके अलावा कुछ और है जो हम देख सकते हैं जैसे कि आगे जो मलखान सिंह था मलखान सिंह की तो मृत्यु हो जाती है कब पंद्रह सौ इकतीस में तो जो रुद्र प्रताप बुंदेला है रुद्र प्रताप बुंदेला की अगर बात करें तो रुद्र प्रताप बुंदेला अगला शासक बनता है परंतु ये जो है पंद्रह सौ एक में इन्होंने ओरछा में ओरछा राजवंश की शुरुआत की अब ओरछा राजवंश की यहाँ शुरुआत की मतलब बुंदेला गद्दी पर बैठा जो रुद्र प्रताप बुंदेला है मलखान सिंह की मृत्यु पश्चात और उसने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया यानी कि ओरछा राजवंश की शुरुआत की 1501 में और जो इसके एक प्रकार से दो व्यक्ति थे जिनका नाम था चंपत राय और एक छत्रसाल था तो छत्रसाल काफ़ी मतलब था फेमस था यानी कि महावली नाम से उसको जाना जाता था या तो बुंदेल केसरी के नाम से तो ये जो छत्रसाल था इन्होंने पन्ना राजवंश की स्थापना की किसने छत्रसाल ने छत्र साल, साल महाबली बोल सकते हैं हम या बुंदेल केसरी तो पन्ना राजवंश की इसने स्थापना की इसके अलावा रुद्र प्रताप कब आया था ये मलखान सिंह की मृत्यु के पश्चात आया था और इसने अपनी राजधानी ओरछा बनाया था अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ और इसके उत्तराधिकारी हुए हैं किसके रुद्र प्रताप के तो हम यहाँ देख सकते हैं देखिए सबसे पहले देखते हैं भारती चंद्र तो जो चंद्र थे आ, वो किसके उत्तराधिकारी थे ये रुद्रप्रताप के थे और इनका समय काल अगर देखें हम तो ये पंद्रह से पंद्रह तक इनका शासन रहा है और इन्होंने जो है ओरछा का दुर्ग इसके अलावा परकोटा राजा राम मंदिर साथ में हम देख सकते हैं एक शहर था जिसका नाम था दीनपनहा इन इन सभी का निर्माण कराया इन्होंने और पंद्रह की अगर बात करें तो पंद्रह में एक नया शासक बनता है जिसका नाम था मधुकर शाह मधुकर साहब बुंदेला ये जो है शासक बना कहाँ पर ओरछा का शासक बना अब ओरछा अभी कहाँ है वर्तमान में आप देख सकते हैं एक मध्य प्रदेश में एक नया जिला बना है जिसका नाम है निवाड़ी तो निवाड़ी में आपको ओरछा देखने को मिलता पहले कंप्लीट रूप से कहाँ देखने को मिलता था टीकमगढ़ में परंतु अब निवाड़ी के अंतर्गत आ गया तो यहाँ हम देख सकते हैं मधुकर साहब पंद्रह में ओरछा का शासक बना और यहाँ पर इनके शासनकाल के दौरान हम देखें तो अकबर का आक्रमण हुआ अकबर का एक जो था यानी कि एक सेनापति या जो भी एक खास व्यक्ति हम बोल सकते हैं सादिक खे इसके नेतृत्व में अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया जिसमें मधुकर शाह ने क्या किया अधीनता स्वीकार कर ली किसकी अकबर की अब इसका एक पुत्र था किसका मधुकर शाह का मधुकर शाह का एक पुत्र था जिसका नाम था हारिल देव तो इस युद्ध में या इस आक्रमण में हारिल देव की मृत्यु हो जाती है तो ये सारी कहानी है इससे संबंधित इसके अलावा हम देख सकते हैं अब अगले यानी कि पंद्रह सौ बयानबे की बात करते हैं तो पंद्रह सौ बयानबे में मधुकर साहब की मृत्यु के पश्चात क्या होता है राम साहब बुंदेला और एक और व्यक्ति जिनका नाम था वीर सिंह देव तो ये दोनों जो है एक प्रकार से शासक बनते ओरछा के परंतु जो राम सिंह बुंदेला है वो ओरछा का शासक बनता है और वीर सिंह देव जो है दतिया के उत्तर पश्चिम स्थित यानी कि दतिया आप कहाँ देख सकते हैं दतिया आप उत्तर में देखिए यहाँ पर तो दतिया के उत्तर पश्चिम में ये जो है जो बड़ोनी एक जागीर थी उसको ये प्रदान की गई किसको वीर सिंह देव को तो वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया सोलह सौ दो में हम देख सकते हैं सोलह सौ दो में एक प्रकार से आ, सलीम जो थे मतलब सलीम मतलब अकबर का पुत्र है यानी कि जहांगीर जहांगीर के कहने पर जो सराय बरार है उसमें एक प्रकार से देखें तो अकबर के विशिष्ट मंत्री थे अबुल फजल तो अबुल फजल का वध कर दिया जाता है किसके द्वारा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा ठीक है इसके अलावा सोलह में देखें तो सोलह में वीर सिंह बुंदेला का एक ज्येष्ठ पुत्र रहता है जिसका नाम था जुझार सिंह तो जुझार सिंह ओरछा का शासक बनता है और उसके पश्चात सोलह में इसकी मृत्यु हो जाती है फिर हम देखें तो 1635 में देवी सिंह बुंदेला ओरछा का जो है ओरछा की गद्दी पर बैठता है और हम देखें 1641 में तो 1641 में एक नया व्यक्ति यहाँ पर शासक बनता है तो जो शाहजहाँ है शाहजहाँ पहाड़ सिंह को ओरछा का शासक नियुक्त कर देता है फिर जो पहाड़ सिंह है उसके पश्चात हम देखें तो एक सुजान सिंह बुंदेला है ये सोलह में यानी कि सोलह से सोलह तक ये शासक बनता है साथ ही इसके अलावा हम देखें तो इंद्रमणि बुंदेला यशवंत सिंह हैं ये भगत सिंह हैं उद्धोत सिंह हैं ये सभी ओरछा के शासक हुए हैं तो जो सबसे पराक्रमी या फिर हम देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट देखें पराक्रमी शासक की तो विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ये पराक्रमी शासक था और इसका समय काल हम देख सकते हैं सत्रह छिहत्तर से अठारह सौ सत्रह तक ठीक है कंप्लीट यहाँ देख सकते हैं इन्होंने जो है जो बलदेवगढ़ नाम का एक किला था उसका निर्माण कराया किंतु मराठों की शक्ति से भयभीत होकर इन्होंने जो है सत्रह सौ तिरासी में सत्रह सौ तिरासी में इनकी राजधानी परिवर्तित कर ली को कहाँ से ओरछा से ये टहर टहर यानी कि आज की डेट में हम टीकमगढ़ बोल सकते हैं ठीक है मराठों से भयभीत होकर तो ये सारी कहानी हमने देखें किससे संबंधित मतलब जो बुंदेलखंड है उसकी स्थापना से लेकर उसके प्रमुख और जो कुछ उत्तराधिकारी उनकी सारी कहानी हमने यहाँ देखें अब आगे हम देखते हैं अंग्रेजों के राज्य में इसका विलय और ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा बुंदेलखंड के बारे में ठीक है तो अंग्रेजी राज्य में विलय के संबंध में कुछ हम यहाँ जानकारी देख लेते हैं तो जो बुंदेलखंड की सीमा थी आ, उसके समय हम देखें साल था साल काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो इसके समय हम देख सकते हैं अत्यंत व्यापक इसकी सीमाएं हुआ करती थी और इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश के झांसी हमीरपुर जालौन बांदा मध्य प्रदेश के सागर जबलपुर नरसिंहपुर होशंगाबाद मंडला तथा जो मालवा संघ के शिवपुरी कटेरा पिछोर और कुछ अन्य हिस्से हैं ये सारे इसमें शामिल हुआ करते थे यानी कि छत्र साल के समय काफ़ी व्यापक हुआ करता था जो बुंदेलखंड साम्राज्य है ठीक है बुंदेलखंड राजवंश या वंश हम बोल सकते हैं इसके अलावा इस पूरे जो भूभाग यानी बुंदेलखंड का जो पूरा भूभाग उसका क्षेत्रफल अगर देखें तो तीन हज़ार वर्ग मील हुआ करता था अंग्रेजी राज्य में आने से पूर्व बुंदेलखंड जो था छोटी छोटी जागीरों में बटा हुआ था और यहाँ हम देख सकते हैं 1820 में बुंदेलखंड कमिश्नरी का यहाँ पर गठन किया गया निर्माण किया गया सन अठारह में जालौन हमीरपुर बांदा के जिलों को जो है उत्तर प्रदेश और सागर जिले को जो है मध्य प्रदेश में मिला लिया गया और जिसकी देखरेख आगरा से होती थी इसके अलावा अठारह में हम देख सकते हैं सागर और दमोह को जोड़कर एक कमिश्नरी का गठन किया गया जिसकी देखरेख झांसी से होती थी और कुछ दिनों बाद कमिश्नरी का कार्यालय झांसी से नौगांव आ गया यानी कि छतरपुर आ गया ठीक है वर्तमान में हम छतरपुर बोल सकते हैं तो इसका जो कार्यालय नौगांव हम देख सकते हैं और सन अठारह में सागर दमोह जिलों में अंग्रेजी जो अंग्रेज़ है उसके खिलाफ़ बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए परंतु यहाँ हम देख सकते हैं जो फूट डालने की जो नीति थी उसके द्वारा शांति स्थापित की गई अंग्रेज़ों के द्वारा इस आंदोलन को और इसके बाद बुंदेलखंड का इतिहास अंग्रेजी साम्राज्य की नीतियों की ही अभिव्यक्ति करता था यानी कि एक प्रकार से अंग्रेजी राज्य में इसका विलय हो चुका था अनेक शहीदों ने समय समय पर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़े परंतु जो गांधी जी थे आ, उन नेताओं के आने से पहले कुछ ठोस उपलब्धि संभव ना हुई यानी कि गांधी जी आए उसके बाद ही ठोस कुछ उपलब्धि हमको देखने को मिलती है तो ही हमने कंप्लीट देखें बुंदेलखंड के बारे में ये आप देख सकते हैं लोकेशन कुछ हमने देखे यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब कुछ इतिहास के बारे में बात की स्थापना से लेकर कुछ उत्तराधिकारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखें और अंग्रेजी राज में इसका बिल है अब जो अगली रियासत है हमारी या अगला राजवंश है वो हम देख सकते हैं बघेल राजवंश तो बघेल राजवंश की अगर बात करें हम तो बघेल राजवंश आपको मुख्य रूप से रीवा इसकी राजधानी हुआ करती थी ठीक है तो यहाँ हम देख सकते हैं इसके आसपास वाला जो कंप्लीट क्षेत्र है वो हमको बघेल साम्राज्य के बारे में यहाँ पर दर्शाता है ठीक है वर्तमान की अगर बात करें तो।, तो जो रीवा है रीवा आप देख सकते हैं ये वाला एरिया ठीक है रीवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रकार से रजवाड़ा था जो वर्तमान रीवा शहर के आसपास भी बसा हुआ था यानी कि वर्तमान जो रीवा है उसके आसपास भी कुछ इसका क्षेत्र हुआ करता था जब ये रजवाड़ा हुआ था हुआ करता था तो रीवा जो था बघेल राजवंश की राजधानी हुआ करती थी यहाँ बघेल राजपूतों के एक महान शासक थे बघेल या बाघेला जो बघेल राजवंश था एक प्रकार से हम देखें जो भगवान राम थे भगवान रामचंद्र और उनके भाई थे लक्ष्मण ठीक है उनके अनुयायी था जो बघेल राजवंश था यानी कि जो यहाँ का राजा था बघेल राजवंश के दरबारों में हमेशा दो राज सिंहासन हुआ करते थे दो राज सिंहासन कैसे एक तो राजा के लिए और एक भगवान राम के लिए ठीक है मतलब एक प्रकार से एक जो सिंहासन है उस पर जो वर्तमान में राजा है पदस्थ वो बैठता था और एक में भगवान श्री राम या रामचंद्र के लिए एक शासक जो राजगद्दी या फिर जो राज सिंहासन है वो हुआ करता था बघेल राजवंशियों के कुल देवता जो थे लक्ष्मण थे यानी कि भगवान रामचंद्र जो थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण देव वो इनके कुल देवता हुआ करते थे इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं बघेल के बारे में यानी कि बघेल राजवंश के बारे में तो इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं चलिए यहाँ स्थापना देख लेते हैं तो बात करते हैं बारह की तो बारह में बघेल राज्य की स्थापना जो हुई थी गुजरात से दो भाई आए थे दो भाई का नाम था बीसल देव और भीमल देव ठीक है इन दोनों भाइयों ने बघेल राज्य की स्थापना की थी और बाद में क्या होता है जो बीसल देव होता है वो कहाँ चला जाता है अनिहाड़ चला जाता है ठीक है और जहाँ पर वह है अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर बारह में क्या होता है अनिहाड़ के जो सोलंकी राजा थे भीमदेव द्वितीय भीमदेव द्वितीय जो थे सत्रह से बारह मतलब एक प्रकार से इकतालीस जो थे अठारह तक हम देख सकते हैं यानी कि जो राजा हुआ करते थे वहाँ के वो थे सत्रह से अठारह इकतालीस सॉरी अठहत्तर से सत्रह सौ अठहत्तर से 1841 तक इनका शासन था इनके शासन काल में जो बीसलदेव थे बीसलदेव को प्रधानमंत्री का पद यहाँ पर दे दिया गया मतलब जो एक प्रकार से भीमल देव के साथ में जो बघेल साम्राज्य की शुरुआत की थी तो विसल देव कहाँ आ गया अनिहार उसके पिता के बदले में यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो राजा थे राजा के अंतर्गत वो प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने लगा अब बात करते हैं भीमल देव की तो भीमल देव के पश्चात कुछ उसके उत्तराधिकारी भी आए तो उत्तराधिकारी की बात करें हम यहाँ पे तो उनका एक पुत्र था जिसका नाम था अनिक देव ठीक है अनिक देव को हम एक प्रकार से देख सकते हैं इनको नानिंग देव इनका नाम है मतलब ये नाम से भी इनको जाना जाता है अनिकदेव देव को नानिंग देव के नाम से भी जाना जाता है और घोरा जागीर का इन्होंने विस्तार किया और एक छोटे राज्य का रूप इसको प्रदान किया फिर बाद में नानिंग देव का एक पुत्र आता जिसका नाम था बालन देव और बालन देव जो है उसका उत्तराधिकारी हुआ इसके पश्चात बल्लार देव जो कि देव का पुत्र था ये इसका उत्तराधिकारी हुआ और ये इसका सामयकाल हम देख सकते हैं तेरह से तेरह तक और इसने एक पदवी धारण की जिसका नाम था महाराजाधिराज महाराजाधिराज की पदवी किसने धारण की बल्लार देव जो कि बालनदेव का पुत्र था इसके अलावा बल्लार देव का एक पुत्र है जिसका नाम, नाम मतलब पुत्र था जो सिंहदेव था वो बल्लार देव का पुत्र था और इसने जो है त्रिवेणी त्रिवेणी यानी कि वर्तमान में हम प्रयागराज बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तो यहाँ पे इन्होंने जल समाधि ली थी ठीक है आ, किसने जो सिंहदेव है उसने इसके अलावा जो बल्लार देव है बल्लार देव का पौत्र पौत्र यानी कि हम बोल सकते हैं बीरमदेव ठीक है आ, किसका पौत्र था ये बल्लार देव का यानी कि एक प्रकार से हम नाती बोल सकते हैं ठीक है क्योंकि सिंहदेव ने तो जल समाधि ले ली थी जो पौत्र था पौत्र काफ़ी सौरवान और महत्वाकांक्षी था तो ये जो तेरह सौ नवासी है और से चौदह सौ अड़तीस है इसमें एक प्रकार से इसका उत्तराधिकारी हुआ किसका बल्लार देव का और यहाँ हम देख सकते हैं एक नदी की बात की गई है हाँ जो बघेलखंड था बघेलखंड मतलब आप बोल सकते हैं ये वाला क्षेत्र है ठीक है और बुंदेलखंड यानी कि यह वाला क्षेत्र है ठीक है तो जो एक नदी थी नदी का नाम हम देख सकते हैं यहाँ पर केन नदी ठीक है तो ये आपको केन नदी का यहाँ पे एक रेखा दिख रही है कटनी से लेकर आप देख सकते हैं इधर यमुना नदी में मिल जाती है ठीक है तो एक तरफ था बघेलखंड और एक तरफ था कालपी तो कालपी आप बोल सकते हैं इस साइड और इस साइड बोल सकते हैं आप बघेलखंड ठीक है ये मतलब बघेल जो साम्राज्य था इसी के समय हम देख सकते हैं कालपी और बघेल खंड के बीच में जो विभाजक रेखा के रूप में काम करती थी वो केन नदी करती थी और केन नदी की बात करें तो केन नदी आपको यहाँ पे दिख रही देखिए कहाँ पे दिख रही है ये आप देख सकते हैं दो नदियों को मिलाकर यहाँ केन नदी बनी है और उत्तर प्रदेश में जाकर ये मिल जाती है ठीक है अब यहाँ देखें तो यहाँ देखिए आपको किन नदी के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं ये कैमूर श्रृंखला यानी कि कटनी ज़िले से निकलती है यमुना नदी में नदी में फतेहपुर जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जाके मिल जाती है ठीक है मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदी है और इसके अलावा हम देखें तो चार सौ सत्ताईस किलोमीटर इसकी पूरी कम्प्लीट लंबाई हमको देखने को मिलती है इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पर जैसे कि कुछ उत्तराधिकारी है जो कि नरहरिदेव की बात करें तो यहाँ जो बीरम देव था बीरमदेव के पश्चात इसका पुत्र आया था बीरमदेव के पश्चात इसका पुत्र पुत्र का नाम था नरहरिदेव इसका उत्तराधिकारी के रूप में आया और इसका समयकाल हम देख सकते हैं चौदह से चौदह तक आ तक जो है एक प्रकार से अगर देखें तो चौदह में चौदह में जो महमूद सर की था महमूद सर की इसका समय काल हम देख सकते हैं चौदह से आ, संतावन यानी कि चौदह तक मतलब महमूद सर की है उसको कालपी जो अभियान था उसमें सहयोग प्रदान किया अब महमूद सर की कौन था महमूद सर की जो जौनपुर जो था जौनपुर का एक सरकी वंश था उसका तीसरा सुल्तान था ठीक है इसने 1440 से चौदह तक यहाँ पर शासन किया कहाँ पर जौनपुर का सरकी वंश के अंतर्गत इब्राहिम शाह सरकी की मृत्यु के पश्चात जौनपुर के गद्दी पर यह बैठा था और चुनार का जो किला था उसको अपने अधिकार में इसने किया था तो जो महमूद सरकी था महमूद सरकी को मतलब एक प्रकार से सहायता प्रदान कौन करता है नरहरिदेव करता है कब ये कालपी अभियान में ठीक है थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए और इसके अलावा आप देख सकते हैं पंद्रहवीं शताब्दी की बात करते हैं तो पंद्रहवीं शताब्दी में जो वीर देव बघेला था वीर देव बघेल ये पंद्रह सौ से पंद्रह सौ तक इसने शासन किया इसके अलावा एक और व्यक्ति आया आगे पंद्रह से 40 में ये बघेल राजा थे वीर भानु ठीक है इस इन्होंने जो है एक प्रकार से हुमायूं की सहायता की थी हुमायूं की सहायता कब की थी जो शेरशाह mm. सूरी था शेरशाह सूरी के विरुद्ध एक युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने हुमायूं की सहायता की थी वीर भानु ने ठीक है राजा थे बघेल राजा इसके अलावा 1555 की बात करते हैं तो 1555 से पंद्रह तक एक जो है यहाँ के शासक हुए हैं जिनका नाम था रामचंद्र देव ये वीर भानु की मृत्यु के पश्चात थे और ये इनके पुत्र थे ठीक है वीर भानु के रामचंद्र देव यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने जो है राजधानी परिवर्तित की यानी कि बांधवगढ़ स्थानांतरित कर दी राजधानी को इसके अलावा अकबर के समकालीन ही हुआ करते थे तो इन्हीं के शासनकाल में हम देख सकते हैं एक दरबारी गायक थे इनके जिनका नाम था तानसेन ठीक है अब तानसेन तो आप जानते ही होंगे तानसेन यानी कि संगीत सम्राट संगीत सम्राट थे इनके शासनकाल में ही यानी कि इन्हीं के दरबार में रामचंद्र देव के दरबार में दरबारी गायक के रूप में तानसेन हुआ करते थे तो जो आ, एक काफ़ी एक प्रकार से इनकी ख्याति थी इनकी ख्याति को सुनकर अकबर थे अकबर इनके समकालीन थे रामचंद्र देव के तो इन जो तानसेन ने उसकी ख्याति को सुनकर पंद्रह में अकबर के द्वारा जलाल खां कोर्ची को राजा रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया जाता है यानी कि पंद्रह में ठीक है तो ये भी आप याद रख सकते हैं पंद्रह में क्या हुआ एक प्रकार से जो कालिंजर का दुर्ग था उसको प्राप्त करने के लिए अकबर ने अपनी सेना बांधवगढ़ भेजी और फरवरी पंद्रह में जो रामचंद्र देव था रामचंद्र देव और अकबर की यहाँ पर भेंट होती है फतेहपुर सीकरी में तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं फिर बात करते हैं पंद्रह की तो पंद्रह में जो रामचंद्र देव उसकी मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात अकबर ने इसका पुत्र था रामचंद्र देव का जिसका नाम था वीरभद्र देव तो वीरभद्र देव को राजा की पदवी देकर बांधवगढ़ का शासक यहाँ पर नियुक्त किया अकबर के द्वारा ठीक है अब वीरभद्र देव की मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात उसका एक पुत्र आता है आ, आ, किसका आ, देव का जिसका नाम था विक्रमाजीत ठीक है विक्रमाजीत एक अल्पवयस्क रहता है अल्पवयस्क पुत्र रहता है और बांधवगढ़ की गद्दी पर बैठता है फिर पंद्रह में क्या होता है अकबर ने विक्रमादित्य जो है यानी कि विक्रमाजीत या विक्रमादित्य को पद से हटा दिया जाता है और फिर एक नया व्यक्ति जिसका नाम था त्रिपुरदास तो ये त्रिपुरदास को यहाँ पर अकबर के द्वारा क्या किया जाता है बांधवगढ़ का सूबेदार बनाया जाता है और जिसने एक प्रकार से अगर देखें तो सोलह तक ये शासन करता है कौन त्रिपुरदास त्रिपुरदास मतलब एक प्रकार से मुगलों के अधीन यहाँ बांधवगढ़ राज्य पर इसने शासन किया सोलह सौ तक फिर एक नया व्यक्ति हम देख सकते हैं जीर्जोधन जीर्जोधन, जीर्जोधन यानी कि वीरभद्र का दासी पुत्र था है, जिसको दुर्योधन भी नाम से भी जाना जाता था इसने 1605 तक शासन किया आ, इसके अलावा हम देख सकते हैं 1619 की बात करते हैं यहाँ पे तो 1619 में क्या हुआ जो जहाँगीर था जहाँगीर यानी कि अकबर का पुत्र सलीम जिसे हम बोलते थे जहांगीर ने बांधवगढ़ का जो क्षेत्र था बांधवगढ़ का क्षेत्र वीरभद्र के पुत्र विक्रमाजीत को दे दिया ठीक है विक्रमाजीत मतलब ये वाला पर्सन ठीक है जिसको यहाँ पे पद से हटाकर त्रिपुरदास को यहाँ पे पद प्रदान किया जाता है तो बांधवगढ़ का क्षेत्र विक्रमाजीत को दे दिया जाता है किसके द्वारा जहांगीर के द्वारा और 1642 में ए, किसकी मृत्यु हो जाती है विक्रमाजीत की इसके पश्चात उसका पुत्र रहता है अमर सिंह अमर सिंह इसका पुत्र रहता है ठीक है विक्रमाजीत का ये सोलह से चालीस तक यहाँ शासन करता है गद्दी पर बैठता है जो कि मुग़लों से काफ़ी अच्छे संबंध ये चाहता है और जहांगीर ने उसे राजा की पदवी प्रदान की थी किसको अमर सिंह को इसके पश्चात सोलह में एक नया व्यक्ति आता है ठीक है जिसका नाम है अनूप सिंह अनूप सिंह का शासनकाल जो है हम देख सकते हैं 1640 से 1660 तक हमको देखने को मिलता है और अनूप सिंह ने राजपुताना में बूंदी के हाड़ा उदयपुर के सिसोदिया तथा अजमेर के जो कछबा है इन सभी घरानों से काफ़ी वैवाहिक संबंध स्थापित करने मतलब किए थे जिसके कारण उसका जो राज्य है काफ़ी विस्तार हो चुका था इनके समय में हम देख सकते हैं जो पहाड़ सी बुंदेला है पहाड़सी बुंदेला यानी कि जो पीछे हमने पढ़े हैं बुंदेला राजवंश ठीक है तो पहाड़सी बुंदेला का आक्रमण हुआ इन्हीं के समय में इसके बाद बांधवगढ़ का किला जो है नष्ट हो गया यहाँ पर और रीवा को एक प्रकार से नई राजधानी बनाया गया है बघेलखंड की ठीक है अब यहाँ हम देख सकते हैं इसके बाद जो अनूप सिंह था यानी कि अनूप सिंह के पश्चात कुछ उत्तराधिकारी हुए हैं तो वो हम देख लेते हैं जैसे कि भाव सिंह हैं सोलह से सोलह तक अनिरुद्ध सिंह हैं ये 1690 से 1700 तक इसके अलावा अब धूत सिंह हैं ये 1700 से 1755 तक बगेलखंड की गद्दी पर बैठे इसके बाद कुछ शासक जैसे कि अजीत सिंह हैं ये 1755 से 1809 तक जय सिंह हैं अठारह से 33 तक विश्वनाथ सिंह ये गद्दी पर रहे 1833 से चौवन तक फिर रघुराज सिंह हैं अठारह से 80 तक और रघुराज सिंह के समय में गोविंदगढ़ जो महल है उसका निर्माण हुआ और इस राजवंश के अन्य शासक जैसे कि हम देखें रुद्रराज सिंह हैं वेंकट और इसके अलावा गुलाब सिंह हैं और मारतांड सिंह हैं ये सभी मारतंण सिंह को आप जानते होंगे रीवा सम्राट ठीक है तो ये सारे यहाँ पे हमने उत्तराधिकारी देखे यहाँ पे आ, किसके बघेलखंड के अंतर्गत तो हमारा ये कंप्लीट बघेलखंड हमको यहाँ देखने को मिलता है इसके अलावा हम अब जो नेक्स्ट रियासत देखने वाले हैं उसकी अगर बात करें हम यहाँ पर तो हमारे सामने है अब होलकर रियासत चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं होलकर रियासत के बारे में तो होलकर रियासत का जो एक प्रकार से शासन था वो इंदौर के आसपास हुआ करता था तो आप देख सकते हैं इसके लोकेशन और यहाँ जो होलकर राजवंश था वो मल्हार राव होलकर मल्हार राव होलकर से प्रारंभ होता है जो कि हम देख सकते हैं अठारह के आसपास ये जो है पेशवा की सेवा में शामिल हुए थे ठीक है और जल्द ही सूबेदार बन गए मतलब ये जो थे होलगाँव के निवासी थे इसलिए इनको एक प्रकार से होलकर कहा जाता है अब हम देख सकते हैं जो पूरे भारत है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में एक प्रकार से इसी जाति को अलग अलग नाम से जाना जाता है और परंतु यह एक प्रकार से एक ही होती है अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है और इसका नाम जो था मतलब एक प्रकार से अगर बोलें तो यहाँ पे इस जाति को हम बोल सकते हैं धनगर ठीक है यह मैं फिर से लिख देता हूँ ठीक है मतलब कंप्लीट रूप से अगर देखें तो पूरे भारत में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है परंतु ये जो है धनगर ये जो जाति है वो एक ही होती है ठीक है पूरे भारत में इनको एक प्रकार से इनकी एक ही पहचान है और बाद में अठारह तक एक प्रकार से देखें तो ये जो है मराठा महासंघ के ये सदस्य बने थे और धीरे धीरे ये पेशवा सेवा में शामिल हो जाते हैं और फिर उसके बाद सूबेदार बन जाते हैं कौन मल्हारा होलकर अब यहाँ देखें तो इंदौर मतलब एक प्रकार से देखें तो मध्य भारत मतलब जो मध्य भारत था उसमें इंदौर पर शासन किया और बाद में भारत की स्वतंत्रता तक ब्रिटिश भारत की एक रियासत के रूप में रहा ये होलकर रियासत होलकर वंश उन प्रतिष्ठित राजवंशों में से एक था जिनका नाम हम देख सकते हैं जो शासक थे उसके शीर्षक के रूप में जुड़ा था जो कि आमतौर पर हम देख सकते हैं महाराजा होलकर या होलकर महाराजा के नाम से इनको जाना जाता था अब पूरा शीर्षक हम देख सकते हैं यहाँ महाराजाधीराज ऐसी कुछ उपाधि हुई है ठीक है राज राजेश्वर सवाई श्री होलकर बहादुर महाराजा ऑफ इंदौर ये सभी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी होलकर रियासत के अंतर्गत तो अब हम देखने वाले हैं होलकर साम्राज्य की स्थापना तो होलकर साम्राज्य की स्थापना में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन ये सामने नजर आते हैं जिनका नाम है मल्लार राव होलकर ठीक है तो ये जो थे मल्लार राव होलकर इनका जन्म हुआ था सोलह मार्च सोलह को और इनकी मृत्यु हुई थी बीस मई सत्रह को तो इन्होंने इंदौर में जो आ, मतलब एक प्रकार से होलकर है होलकर की यहाँ पर होलकर के शासन की स्थापना की इन्होंने 1720 के दशक में मालवा क्षेत्र में मराठा सेनाओं को भी संभाला और 1733 में पेशवा ने जो थे इंदौर के आसपास के क्षेत्र में नौ परगना क्षेत्र इनको दिए थे इंदौर शहर की अगर बात करें हम तो इंदौर शहर जो था मुगल साम्राज्य द्वारा मंजूर तीन मार्च सत्रह सो, आ, को अगर देखें तो जो एक प्रकार से नंदलाल मंडलोई थे इनके द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र रियासत के रूप में पहले से ही अस्तित्व में था मतलब इंदौर की अगर बात करें तो ये पहले से अस्तित्व में था और यहाँ शासन किसके द्वारा शुरू किया गया था मल्लार राव होलकर के द्वारा इसके अलावा जो नंदलाल मंडलोई थे आ, उन्होंने मतलब एक प्रकार से इस क्षेत्र में मराठों को आवागमन की अनुमति दी और खान नदी के पार शिविर के लिए भी अनुमति इनके द्वारा प्रदान की गई थी फिर मल्लार राव ने सत्रह में क्या हुआ यहाँ पे एक शिविर की स्थापना की और शिविर को जो है इन्होंने एक प्रकार से नाम दिया जिनका नाम था मल्हारगंज ठीक है मल्हारगंज के नाम से इनको जाना जाता है जो शिविर था उसको और सत्रह में एक प्रकार से जो राजमहल यहाँ पे राजमहल रजवाड़ा का निर्माण शुरू किया इनकी मृत्यु के समय वह मालवा के ज़्यादातर क्षेत्र में शासन किया और मराठा महासंघ के लगभग स्वतंत्र जो थे पाँच शासकों में से एक के रूप में यहाँ स्वीकार किया गया ठीक है तो ये कंप्लीट रूप से हमने होलकर साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना के बारे में देखा इसके अलावा हम बात करते हैं अब अहिल्याई होलकर की तो अहिल्या होलकर बहुत ही किसकी मल्लार राव होलकर की ठीक है अब यहाँ देखें अहिल्याई होलकर के बारे में तो ये सत्रह से सत्रह तक इनका शासनकाल रहा है इन्होंने शासन की कमान संभाली इतने समय तक इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था एक गांव था जिसका नाम था चौड़ी गाँव यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इन्होंने राजधानी राजधानी को जो इंदौर के दक्षिण में हम देख सकते हैं नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जिसका नाम है महेश्वर महेश्वर में स्थानांतरित की और अन्य हिल्बाई कई हिंदू मंदिरों की संरक्षक भी थी यानी संरक्षिका थी उन्होंने अपने राज्य के बाहर पवित्र स्थलों में एक प्रकार से देखें तो मंदिरों का निर्माण भी कराया तो ये आप देख सकते हैं इनका जो है चित्र यहाँ पे इसके अलावा हम जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं जैसे ये भारत है भारत के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये एक लोकेशन देख रहे हैं लोकेशन में आप यहाँ देख सकते हैं देखिए ये महेश्वर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देख सकते हैं खरगोन जिले के अंतर्गत महेश्वर आपको देखने को मिलेगा ठीक है इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें मल्हारा होलकर का एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था तुकोजी राव ठीक है तो तुकोजी राव होलकर जो था इसका शासन काल हमको देखने को मिलता है सत्रह सौ पंचानवे से संतानवे यानी कि दो साल मात्र इन्होंने कुछ समय के लिए यहाँ पर रानी अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद शासन संभाला हालाँकि जो तुकोजी राव था उस वो था अहिल्याबाई का सेनापति के रूप में जो मंडलोई था उसके द्वारा इंदौर की स्थापना के बाद यहाँ पर सत्रह में इसने अपना अभियान प्रारंभ किया था और यहाँ पर हम देखें तो ये इसमें मतलब एक प्रकार से शासन की बागडोर भी इसके द्वारा संभाली गई अब एक और मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पर राव होलकर के बारे में बात करते हैं तो ये पुत्र था किसका तो कोजी राव होलकर का जो कि एक प्रकार से देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं तुकोजी राव होलकर एक सेनापति के रूप में यहाँ बागडोर संभालता है शासन की तो ये तुकोजी राव होलकर का पुत्र था कौन यशवंत राव होलकर आप यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो शासनकाल रहा है मतलब शासन की बागडोर इसके द्वारा संभाली गई सत्रह से अठारह तक इन्होंने अंग्रेज़ों की जो कैद है उससे दिल्ली के जो मुग़ल सहा है यानी कि मुग़ल सम्राट थे शाह आलम उसको मुक्त कराने का फैसला लिया लेकिन असफल रहे इस उद्देश्य के लिए अपनी बहादुरी की प्रशंसा में एक प्रकार से अगर देखें तो जो शाह आलम है शाह आलम ने उनको एक उपाधि दी उपाधि का नाम है यहाँ हम देख सकते हैं महाराजाधिराज राजेश्वर अलीजा बहादुर ये उपाधि किसके द्वारा दी गई शाहआलम के द्वारा ठीक है इसके अलावा 1802 की अगर बात करें 1802 में जो पुणे हैं पुणे के निकट एक स्थान है हादसपुर हादसपुर में जो सिंधिया है सिंधिया और पेशवा जो बाजीराव द्वितीय है इनके मध्य एक प्रकार से संयुक्त सेनाओं को इन्होंने हराया था यशवंत होलकर ने और पेशवा अपनी जान बचाकर पुणे से बेसिन भाग निकले जहां हम देखें जो अंग्रेज है अंग्रेजों ने सिंहासन के लालच के बदले में सहायक संधि पर हस्ताक्षर की पेशकश की और इस बीच यशवंत राव ने जो है पुणे में अमृत राव को अगले पेशवा के रूप में स्थापित किया इसके अलावा एक महीने के पश्चात ही हम देख सकते हैं यहाँ पर विचार विमर्श के बाद जो उनके भाई है मतलब जो यशवंत राव के भाई है उसको पेशवा के रूप में मान्यता मिलने के खतरे को देखते हुए जो बाजीराव द्वितीय थे थे। उन्होंने एक प्रकार से संधि पर हस्ताक्षर किए और अपनी जो एक प्रकार से अवशिष्ट जो संप्रभुता थी आ, उसका आत्मसमर्पण किया और जिससे अंग्रेज अंग्रेज जो थे उसे पूना में सिंहासन पर पुनः स्थापित कर सके फिर बाद में हम देख सकते हैं जो महाराजा यशवंतराव होलकर है उन्होंने देखा कि अन्य राजा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते एकजुट होने के लिए तैयार नहीं थे तो अंततः उन्होंने 24 दिसंबर 1805 को एक संधि की संधि का नाम था अंग्रेज़ों के साथ हुई थी ये राजघाट की संधि तो राजघाट की संधि में क्या हुआ वे भारत के एक मतलब एक प्रकार से अंग्रेज़ों के साथ कुछ डील हुई उनकी और वे भारत के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के अंग्रेजों ने जो है शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क किया था उन्होंने ऐसी किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जिससे उनका आत्मसम्मान प्रभावित हो और अंग्रेज़ों ने उन्हें एक संप्रभु राजा के रूप में भी मान्यता प्रदान की थी उसके सभी प्रदेश लौटाए गए और उन्होंने जयपुर उदयपुर कोटा बूंदी और कुछ अन्य राजपूत राजाओं पर काफ़ी प्रभुत्व प्रभुत्व स्वीकार किया था तो ये कुछ जानकारी थी यशवंत राव होलकर के बारे में इसके अलावा हम बात करें आ, कुछ यहाँ आगे तो ये हम देख सकते हैं माहितपुर का युद्ध के बारे में देख सकते हैं आ, होलकर साम्राज्य के अंतर्गत तो ये जो माहितपुर का युद्ध हुआ था वो हमको यहाँ देखने को मिलता अठारह में हम देख सकते हैं मल्हार राव जो तृतीय थे यानी कि वो देखिए तीन मल्लाराव राव हुए तो पहले वाले के नाम मल्हार राव दूसरे वाले के नाम मल्हार राव द्वितीय और फिर तीसरे वाले के नाम मल्हार राव तृतीय हो गया ठीक है तो यहाँ पे जो मल्हार राव तृतीय थे चार वर्ष की उम्र में शासक बने तो जो महारानी तुलसाबाई होलकर थी उन्होंने प्रशासन की बागडोर संभाली ठीक है हालांकि धर्म कुमार और बलराम सेठ जो थे उन्होंने पठानों और पिंडारियों की मदद से अंग्रेजों के साथ मिलकर तुलसाबाई और मल्हार राव को बंदी बनाने का षडयंत्र रचा मतलब ये दोनों व्यक्तियों को ठीक है जब तुलसाबाई मतलब ये ये पर्सन जो तुलसाबाई है उसको इस षडयंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने अठारह में उन दोनों को जो षडयंत्र कर रहे थे उन दोनों को मौत की सज़ा सुना दी और तांतिया जोग को नियुक्त किया उनके बदले में एक व्यक्ति था इस कारण जो गफ्फार खान पिंडारी था उन्होंने चुपके से क्या किया सात नवंबर अठारह सौ सत्रह को अंग्रेज़ों के साथ संधि की और उन्नीस दिसंबर अठारह सौ सत्रह को तुलसाबाई तो की हत्या कर दी अब यहाँ हम देख सकते हैं अंग्रेजों ने सर थॉमस हेलोस के नेतृत्व में यहाँ बीस दिसंबर अठारह को महितपुर हम महितपुर पर जहाँ हम पढ़ रहे महितपुर तो महितपुर पर यहाँ पे इसकी लड़ाई में एक प्रकार से 11 वर्ष के जो महाराजा मल्हार राव तृतीय थे आ, बीस वर्ष के हरिराव होलकर और बीस वर्ष की भीमा भाई होलकर इन सभी को यहाँ पर परास्त कर दिया बीस दिसंबर अठारह को मल्हारपुर जो माहितपुर का जो ये लड़ाई हुई थी उसमें होलकर सेना ने युद्ध लगभग जीत लिया था लेकिन अंत में अगर देखें तो अंत में जो नवाब थे अब्दुल गफ्फार खान उन्होंने यहाँ पर धोखा दे दिया और अपनी सेना के साथ युद्ध का मैदान छोड़ दिया अंग्रेज़ों ने उसके इस कृत्य के लिए गफ्फार खान को एक प्रकार से जावरा की जागीर दी मतलब अधिका अधिकांश रूप से अगर देखें हम इतिहास में तो जो भारत के तरफ जो मुख्य सेनापति हुआ करते थे उन्होंने गद्दारी की है तभी मैन राजा की यहाँ पर हार देखने को मिलती है तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हमको गफ्फ़ार खान के बारे में यहाँ देखने को मिलता है और सात जनवरी अठारह को मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर होता है ठीक है और भीमा भाई होलकर ने इस संधि को नहीं स्वीकारा और गुरिल्ला विधियों जो गुर्ला वारफेयर थी गुरिल्ला विधियों द्वारा अंग्रेजों पर हमला जारी रखा बाद में हम देख सकते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भीमा भाई होलकर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उसने भीमा भाई होलकर से प्रेरणा लेते हुए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और इस तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था उसके समापन पर होलकर ने अपनी अधिकांश जो क्षेत्र थे उसको अंग्रेजों मतलब अंग्रेज़ों से खो दिए और ब्रिटिश राज में एक रियासत के तौर पर शामिल हुआ ठीक है और इसकी राजधानी को एक प्रकार से अगर देखें तो इंदौर से यहाँ पे मतलब एक प्रकार से जो भानपुरा था भानपुरा से इंदौर ट्रांसफ़र कर लिया गया तो ये कुछ जानकारी थी माहितपुर का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है देखने को मिलेगा यहाँ पे अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि जो पेशवा बाजी राव थे पेशवा बाजी राव ने सत्रह को सत्रह सौ बत्तीस को एक औपचारिक दस्तावेज़ द्वारा जो होलकर थे सिंधिया थे और पवार सरदार थे पवार सरदार ये तीनों के मध्य यहाँ पे हम देख सकते हैं एक संधि की थी जिसमें उनके अधिकार क्षेत्रों का यहाँ विभाजन किया गया था अब अधिकार क्षेत्र क्या क्या थे तो मालवा प्रदेश के थे तो मालवा प्रदेश में हम देख सकते इंदौर देपाल देवालपुर और बेटमा इन सहित हम देखें तो टोटल हमको यहाँ पर जो अट्ठाईस परगना थे यानी कि अट्ठाईस क्षेत्र हम बोल सकते हैं अट्ठाईस क्षेत्र शामिल थे जो कि इन सभी के बीच में डिवाइड किए गए थे किसके द्वारा पेशवा बाजीराव के द्वारा जो संधि दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था उसके द्वारा अब इस व्यवस्था में अगर देखें तो मालवा में हम देखें मराठा राज्यों की नींव पड़ी तो मालवा हम देखें तो मालवा ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं ये वाला ठीक है मालवा में मराठा जो राज्य थे एक प्रकार से उसकी नींव पड़ी जिसमें हम देखें होलकर तो होलकर हमको इंदौर में देखने को मिलता है इधर भी हमको थोड़ा भाग देखने को मिलता, मिलता है ग्वालियर में देखिए ग्वालियर में सिंधिया देखने को मिलता है ठीक है यहाँ पे हमको होलकर देखने को मिलता है कहाँ पे इंदौर के अंतर्गत इसके अलावा आनंद राव जो पवार थे वो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं वो धार में देखने को मिलते हैं ठीक है, है? साथ में हम देख सकते हैं तुकोजी तुकोजी को देवास ठीक है देवास में ये इनका शासन देखने को मिलता है तुकोजी यानी कि देवास की बड़ी जो पाती थी वहाँ पर और जीवा जी जो थे छोटी में छोटी पाती में यानी देवास के अंतर्गत ही जीवा जी को तो ये अलग अलग क्षेत्र यहाँ पर मालवा प्रदेश के अंतर्गत डिवाइड किए गए पेशवा राव के द्वारा जो औपचारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया था उसके अनुसार फिर एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था कब चौदह जनवरी सत्रह को ही हुआ था इसके पश्चात हम देख सकते हैं जो मल्हार राव होलकर थे उन्होंने इंदौर पर अधिकार कर लिया ठीक है मल्हार राव होलकर के द्वारा और 26 मई 1766 को इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी समाधि हमको देखने की मिलती है कहाँ पे आलमपुर में ठीक है आ, ये मतलब यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है और ये भिंड के अंतर सॉरी ये आलमपुर में मृत्यु होती है और समाधि कहाँ देखने को मिलती है भिंड के अंतर्गत अब इसके पश्चात इनका जो पौत्र है पौत्र यानी कि हम बोल सकते हैं नाती ठीक है और इनका पुत्र का नाम था खांडेराव यानी कि खांडेराव का पुत्र कौन हुआ मालेराव और मालेराव किसका पौत्र हुआ मल्हार राव होलकर का तो मालेराव होलकर जो है अगला यहाँ पे एक प्रकार से अगला शासक बनता है परंतु यहाँ हम देख सकते हैं इसी के नाम पर जो अहिल्याबाई होलकर है ये पुत्रवधू थी अ, किसकी मतलब हम देख सकते हैं मल्हार राव होलकर की बहू हम बोल सकते हैं ठीक है और किसकी माता थी मालेराव होलकर की यानी कि खांडे राव की पत्नी थी अहिल्याबाई होलकर यहाँ पे इनकी मतलब एक प्रकार से पेशवा की अनुमति से इन्होंने प्रशासन या कार्यभार संभाला अहिल्याबाई होलकर ने और मेन शासक कौन था मालेराव होलकर इसके अलावा जो तुकोजी होलकर था विश्वास पात्र अधिकारी था तुकोजी होलकर उसको अपनी सेना में नियुक्त किया फिर हम देखें यहाँ पर आ, इसकी मृत्यु हो जाती है मतलब अहिल्या होलकर की मृत्यु हो जाती है पंद्रह अगस्त सत्रह को इसके अलावा हम देखें होलकर वंश के जो शासक हुए हैं वो हम देख सकते हैं काशी राव यशवंत राव प्रथम तुलसाबाई ये सभी हमने पीछे कहानी पढ़े थे आ, उन्होंने सबने यहाँ मतलब शासन की बागडोर संभाली और जो सेनापति हुआ था वो तुकोजी होलकर था ठीक है अब होलकर वंश के जो शासक थे तुकोजी तृतीय के समय यहाँ तुकोजी तृतीय की अगर बात करें तो तुकोजी तृतीय के समय मध्य भारत में इसका विलय हो गया तो ये सारी चीज़ें हमने देखे यहाँ पर किसके बारे में होलकर के बारे में कुछ वंशज मतलब कुछ इम्पोर्टेंट हम देख सकते हैं इसके जो शासक थे वो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट थे हमारे सामने मल्हार राव होलकर थे तो ये शासन काल आप देखिए एक नज़र में रटना नहीं है फिर मालेराव होलकर फिर अहिल्याबाई होलकर मालेराव होलकर के समय ही उनके नाम पर अहिल्याबाई होलकर ने शासन किया था फिर सेनापति था उनका तोकोजी होलकर फिर काशीराव होलकर यशवंत राव होलकर प्रथम फिर मल्हार राव होलकर तृतीय फिर मातन राव फिर हरी राव खांडे राव इसके अलावा तोकोजी राव शिवाजी राव तोकोजी राव फिर तृतीय था और यशवंत राव होलकर द्वितीय ये सभी ने यहाँ पे मतलब एक प्रकार से होलकर वंश के अंतर्गत यहाँ पर शासन की बागडोर संभाली एक नज़र आप इसमें जो है एक जो इनकी समय काल है उसको भी आप देख लीजिए अब इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारे सामने सिंधिया वंश तो सिंधिया वंश का जो हमने अभी देखे थे तो वो ग्वालियर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को संभाला या शासन यहाँ पे किया तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं सिंधिया वंश के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में तो सिंधिया परिवार जो था ग्वालियर का एक प्रकार के मरा एक प्रकार से मराठा शासक परिवार था यानी कि जो मराठा थे उसी की ब्रांचेस थी सिंधिया थे होलकर थे अलग अलग थे तो ग्वालियर में जो मराठा राज मतलब मराठा जो वंश था वो शासन करता था उसको बोला जाता था सिंधिया वंश ठीक है तो उसी के बारे में हम यहाँ देखते हैं तो अठारहवीं शताब्दी के कालखंड में उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई इन्होंने इस वंश की स्थापना एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर राणोजी सिंधिया राणोजी सिंधिया के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई और इन्होंने 1726 में पेशवा यानी कि मराठा राज्य के एक प्रमुख मंत्री थे इनके द्वारा मालवा का प्रभारी बनाया गया था फिर 1750 में इनकी मृत्यु होने के पहले राणोजी सिंधिया ने जो है उज्जैन में अपनी राजधानी स्थापित की बाद में सिंधिया राजधानी को ग्वालियर में मतलब ग्वालियर का जो पहाड़ी दुर्ग है वहाँ पर स्थापित कर दिया गया तो हमने सिंपल यहाँ देखें देखिए संस्थापक कौन थे इसके राणोजी सिंधिया या सिंधे हम बोल सकते हैं और ये जो थे कान्हेर खेड़ा के पाटिल परिवार से ये संबंधित थे सत्रह में क्या होता है यहाँ पे अमझेरा का युद्ध आपको देखने को मिलता है सिंधिया वंश के अंतर्गत और यहीं पे जो राणोजी सिंधिया थे राणोजी सिंधिया ने वीरतापूर्वक प्रदर्शन किया तथा जो पुणे थे पुणे का दरबार से राणो को जो है होलकर वंश के समान भागीदारी दी गई जिसमें हम मुख्य रूप से देख सकते हैं उज्जैन साजापुर सुजालपुर ये आदि क्षेत्र इसको प्रदान किए गए मतलब अमझेरा के युद्ध में किसको राणोजी सिंधिया को ठीक है क्या क्या प्रदान किया गया उज्जैन साजापुर और सुजालपुर फिर हम देखें सत्रह की बात करते हैं तो सत्रह में यहाँ मालवांचल का विभाजन हुआ इससे संबंधित जो दस्तावेज़ थे उसके अनुसार अगर देखें तो जो राणो जी थे राणो जी के नियंत्रण में सुजालपुर और सुंदरसी ये आ गए और सत्रह में क्या हुआ सिंधिया ने अपने अधिकार क्षेत्र में डोबरी बोराड़ और हाटोली को मिला लिया गया मतलब एक प्रकार से देखें तो सत्रह में यहाँ पे देख सकते हैं हम डोबरी इसके अलावा बोराड़ और हटोली इन तीनों को हम देख सकते हैं यहाँ पे इसको मिला लिया गया सिंधिया के जो शासनकाल उसमें फिर सत्रह की बात करते हैं सत्रह में उत्तर भारत की जो आय के बंटवारे है उससे पेशवा सरकार को छियालीस प्रतिशत तथा जो होलकर था होलकर को इक्कीस प्रतिशत यहाँ पर भाग प्राप्त होता था ठीक है आय जो राजस्व होता था उसका यहाँ बंटवारा होता था फिर आ, कुछ यहाँ हम देख सकते हैं कुछ उत्तराधिकारी की बात करते हैं आ, किसके सिंधिया वंश के कुछ उत्तराधिकारी हुए हैं यानी कि रानो जी सिंधिया के पश्चात तो रणू जी की राणोजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है 1745 में 1745 में इसकी मृत्यु के पश्चात सिंधिया वंश का सबसे प्रतापी जो राजा होता है वो होता है जी सिंधिया ठीक है आप महद सिंधिया जो है वो शासन की बागडोर इसने संभाला और इसका शासनकाल हम देख सकते हैं सत्रह सौ इकसठ से सत्रह सौ चौरानवे तक देखने को मिलता है फिर यहाँ देख सकते हैं हम देखिए जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इन इसमें इन्होंने भाग लिया महद सिंधिया ने और इन्होंने एक प्रकार से देखें तो सत्रह में गोहद के जो जाट लोकेंद्र सिंह थे इससे ग्वालियर का किला भी छीन लिया था यानी कि ग्वालियर का किला इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया फिर आ, महजी सिंधिया जो थे इन्होंने एक प्रकार से दिल्ली पर अधिकार किया और जो मुग़ल सम्राट थे शाह आलम शाह आलम को ग़ुलाम कादिर के नियंत्रण से मुक्त कराया जैसे कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं ठीक है जिसके कारण जो महजी सिंधिया थे उसको क्या किया गया था आ, एक उपाधि भी प्रदान की गई थी फिर यहाँ हम देखें तो जो महजी सिंधिया है उनको अपना प्रधानमंत्री बनाकर सभी प्रशासनिक अधिकार दे दिए किसने शाह आलम ने इसके अलावा 1810 की अगर बात करें तो 1810 में इन इस मतलब 1810 तक इनकी मृत्यु कब हुई इनकी मृत्यु हुई 12 जनवरी सत्रह सौ चौरानवे और इसी को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है मतलब जो 12 जनवरी है उसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है किसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में महद जी सिंधिया के उपलक्ष्य उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में अब इनकी मृत्यु हो गई तो इसके पश्चात बारह तक तो राजधानी उज्जैन ही रही परंतु जब अगले शासक आए जिनका नाम था दौलतराव सिंधिया तो दौलतराव सिंधिया ने अपने समय में राजधानी को कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया ग्वालियर में तो ये भी आपको याद रखना है फिर सिंधिया वंश के कुछ अन्य उत्तराधिकारी जैसे कि जानकोजी राव जिनका शासनकाल हम देख सकते हैं अठारह से अठारह फिर जया जी राव ये है हमको देखने को मिलेगा अठारह से अठारह फिर माधव राव ये देखने को मिलेगा अठारह से 1925 और फिर है जीवाजी राव तो ये सारे हमने शासक के बारे में देखे यहाँ पे अब यहाँ देख सकते हैं हम देखिए जो माधवराव सिंधिया है आ, हमने जैसे यहाँ देखें ठीक है माधवराव हमने यहाँ देखे ये ठीक है तो माधवराव सिंधिया की यहाँ पे हम देख सकते हैं मृत्यु हो जाती है मृत्यु कब होती है 1925 में यानी कि 5 जून 1925 को इनके पश्चात इनका एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है जीवाजी राव ये अल्पवयस्क रहता है यानी कि नौ वर्ष का रहता है तो ये ग्वालियर का उत्तराधिकारी यानी कि ग्वालियर रियासत का उत्तराधिकारी मनाया जाता है यानी कि सिंधिया रियासत का ठीक है और जीवा राव के वयस्क होने तक रियासत का प्रशासन चलाने के लिए जो महारानी है उसकी अध्यक्षता में एक काउंसिल ऑफ एजेंसी का गठन किया जाता है मतलब इसके देख रेख में यहाँ पर शासन संभाला जाता है कब तक जब तक कि जीवा राव वयस्क ना हो जाए ठीक है इसके अलावा हम देख सकते हैं आ, अगले जो है यानी कि जीवा राव जो है जीवाजी राव की शादी होती है किससे राजमाता विजय राजे से अब राजमाता विजया राजे कौन है इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में होता है और एक प्रकार से देखें इनसे इनका विवाह होता है और इनकी एक जीवनी भी हमको देखने को मिलती है जीवनी का नाम है एक रानी ऐसी भी और इसके लेखिका कौन है मृदुला सिन्हा ये भी आप याद रख सकते हैं उन्नीस में ये जो है लोकसभा में निर्वाचित हुई और इनके पुत्र का नाम क्या था माधवराव सिंधिया ठीक है अब यहाँ देख सकते देखिए ये उन्नीस तक यानी कि कांग्रेस से लोकसभा में निर्वाचित होते फिर इनकी पुत्री भी हम देख सकते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे वसुंधरा राजे ठीक है तो ये इनके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे जीवनी आप याद रख सकते हैं फिर यहाँ आगे देखें 1936 की बात करते हैं नवंबर 1936 की तो नवंबर 1936 में जीवा राव को महाराजा के पूरे अधिकार सौंप दिए गए यानी कि संपूर्ण अधिकार यहाँ पर सौंप दिए गए और अप्रैल उन्नीस uh, में यहाँ पर दिल्ली में एक प्रकार से देखें तो मध्य भारत के जो राजा थे उनका एक सम्मेलन देखने को मिलता है अब uh, सम्मेलन में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो 25 रियासत थी उसका एक संयुक्त संघ बनाया गया जिसका नाम रखा गया मध्य भारत और मई 1948 में जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने मध्य भारत राज्य के प्रथम राज प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया जीवाजी राव को तो ये भी आप कंप्लीट यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं फिर इसके अलावा हमको दो चीज़ें और देखने को मिलती है जैसे कि एक है ग्वालियर की संधि और एक है मंदसौर की संधि तो कुछ कुछ जानकारी देख लेते हैं ग्वालियर की संधि के बारे में जो पिंडारी थे पिंडारियों के विरुद्ध यहाँ पर तैयारी कर रहे थे कौन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग और ग्वालियर रियासत के शासक थे दौलत राव सिंधिया तो गवर्नर जनरल यानी कि अंग्रेज़ और दौलत राव सिंधिया के मध्य यहाँ पर पाँच नवंबर सत्रह को यहाँ पर एक संधि देखने को मिलती है जिसका नाम है ग्वालियर की संधि फिर एक और संधि है यह देखें हमने मंदसौर की संधि तो मल्हार राव होलकर और जो अंग्रेज थे उन दोनों के मध्य यहाँ पर अठारह में ये संधि देखने को मिलती है जिसके अंतर्गत होलकर के द्वारा यहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ियों का दक्षिणी क्षेत्र किसको प्रदान कर दिया जाता है अंग्रेज़ों को और जो बेल जली है आगे हम देख सकते हैं बेल जली आता है गवर्नर जनरल अंग्रेजों के मतलब जो ब्रिटिश शासन रहता है उस समय उसी के दौरान हम देखें अठारह में जो राजपुर घाट है उसकी संधि की जाती है जिसमें हम देख सकते हैं जो यशवंत राव होलकर थे यशवंत राव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड ये दोनों को छोड़ना पड़ता है यानी कि इन दोनों पर भी अंग्रेज़ों का जो है कब्जा हो जाता है या कैप्चर कर लिया जाता है इसके अलावा अंग्रेज़ों के अधीन और भारत में विलय की अगर बात करें जो है क्या बोलते जो सिंधिया राजवंश है उसका अंग्रेज़ों के अधीन हुआ और फिर भारत में विलय हुआ तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं तो पहला बात करते हैं अठारह में तो अठारह में सिंधिया जो थे अंग्रेजों के अधीन हो गए यानी कि यहाँ शुरुआत में क्या हुआ अंग्रेज़ों के अधीन परंतु 1947 में अगर देखें तो ये जो थे एक रजवाड़े के रूप में यहाँ पे उभर कर सामने आए कब 1947 में सिंधिया परिवार ने 1947 तक भारत की स्वतंत्रता तक ग्वालियर पर शासन किया और तब जो महाराजा थे जीवाजी राव सिंधिया इन्होंने भारत में विलय के लिए स्वीकृति दे दी फिर ग्वालियर अन्य रियासतों के साथ विलय के साथ मध्य भारत का नया राज्य बन गया और जॉर्ज जीवाजी राव ने राज्य प्रमुख के रूप में हम देख सकते हैं अट्ठाईस मई को 28 मई उन्नीस को मतलब 28 मई 1948 से लेकर 1956 तक यानी कि 1956 मतलब 31 अक्टूबर ठीक है क्योंकि एक नवंबर को तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो यहाँ पे एक नवंबर 1956 तक यहाँ पे क्या किया राजप्रमुख के रूप में शासन किया जीवाजी राव ने और फिर मध्य प्रदेश में इसका विलय कर लिया जाता है तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं थोड़ी सी जानकारी वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में तो ये जो है पुत्री थी जीवाजी राव सिंधिया की और मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो है एक प्रकार से देखें तो लोकसभा मतलब एक प्रकार से ये जो थी वसुंधरा राजे ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से पांच संसदीय चुनाव में इन्होंने विजय प्राप्त की उन्नीस के बाद के जो वाजपेयी सरकार के जो शासनकाल है उसमें इनको जो है कई मंत्रालय का ये प्रभार इन्होंने संभाला था तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं ठीक है तो ये कंप्लीट डिटेल हमने देखे हैं सिंधिया परिवार यानी सिंधिया वंश या सिंधिया रियासत के बारे में अब हमारी जो आखिरी रियासत है जिसका नाम है भोपाल रियासत तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं फिर हमारी कंप्लीट सारी रियासतें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी यानी कि आपकी यूनिट फाइव यूनिट फाइव यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिखेगी आपको किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एम पी का पेपर वन का ए उसकी एक दो तीन चार और ये पाँचवीं यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर पेपर वन का बी पार्ट शुरू होगा जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जोग्राफ़ी ठीक है चलिए बात करते हैं भोपाल रियासत की तो भोपाल रियासत के बारे में हम जानकारी ले लेते ले हैं देखिए हमारा स्वतंत्रता के पूर्व जो मध्य प्रदेश का नक्शा था वो हम देख सकते हैं इस प्रकार तो भोपाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में या स्वतंत्र रियासत के रूप में यहाँ पर देखा जाता था स्वतंत्रता के पूर्व परंतु स्वतंत्रता के पश्चात अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये देखिए पार्ट में डिवाइड हो गया था पहले तो हम देख सकते हैं देखिए मध्य भारत भोपाल बिंद्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसके अलावा विदर्भ छत्तीसगढ़ ये सारी चीज़ अलग अलग भागों में आपको देख रही है पर यहाँ पे सभी को एक समग्र रूप प्रदान किया गया जैसे कि पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी ठीक है और भोपाल को स्वतंत्र मतलब एक प्रकार से एक राज्य के रूप में पार्ट सी के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया था स्वतंत्रता के उपरांत तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो भारत में जो है एक प्रकार से अगर देखें विलय सबसे आखिरी में हुआ इसका और जून उन्नीस की अगर बात करें तो उसमें इस रियासत का भारत गणराज में विलय हो जाता है और पहली बार इसी दिन मतलब एक प्रकार से गणराज में विलय होने के पश्चात पहली बार इसी दिन आ, भारत की शान तिरंगा यहाँ पर फहराया जाता है तभी वर्तमान भारत की तस्वीर किसी देश के सबसे सुंदर नक्शे के रूप में सामने आती है तो हम यहाँ देख सकते हैं भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी वर्तमान में हम देख सकते हैं ठीक है इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इतिहास यानी कि भोपाल का जो इतिहास है उसको एक प्रकार से रियासतकालीन इतिहास के बारे में जाना जाता है ठीक है या रियासतकालीन इतिहास के रूप में जाना जाता है इस काल का प्रथम शासक जो था सरदार जो थे सरदार था एक दोस्त मोहम्मद खान ये था और ये अफ़ग़ानिस्तान से आया था ठीक है अफ़ग़ानिस्तान के एक नगर है खेवर के क्षेत्र में यानी कि तिरह से जो एक प्रकार से सन सोलह से संतानवे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के एक लाहौरी जलालाबाद के अफग़ान अमीर यानी कि जलाल खान के पास आकर ये रहा था ठीक है कौन दोस्त मोहम्मद खान उसने सन 1715 में जगदीशपुर पर अधिकार किया और उसी समय जगदीशपुर का जो है एक प्रकार से राजपूत शासक था देवरा चौहान था फिर यहाँ देखिए जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और इसका एक नया नाम इन, इसने रखा जिसका नाम था इस्लाम नगर जो कि हम आगे देखने वाले हैं फिर सत्रह में क्या हुआ सत्रह तक आ, उसने संपूर्ण भोपाल क्षेत्र अपने अधीन कर लिया जब यह भूभाग जो था आ, दोस्त मोहम्मद खान के अधिपत्य में आ गया तो वह कभी एक प्रकार से कभी कभी बड़े बड़े जो तालाब थे उस पर पक्षियों के शिकार के लिए आया करता था वहाँ उसने जो है कई तालाब और कुछ प्राकृतिक सौंदर्य पर इतना मुग्ध था कि उसने किले का निर्माण भी कराया बस्ती को आबाद किया इसके अलावा दोस्त मोहम्मद खान के बाद यहाँ पर नवाब यार मोहम्मद खान मतलब बहुत सारे इसके उत्तराधिकारी हमको देखने को मिलते हैं कुछ ज़्यादातर यहाँ बेगमों का राज देखने को मिलता है तो बेगमें ज़्यादा हावी होती है और जो अंतिम सुल्तान होता है मतलब अंतिम जो एक प्रकार से यहाँ का नवाब होता है वो हमिदुल्ला खान होता है तो हम इन सभी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम स्थापना यानी कि भोपाल रियासत तो भोपाल रियासत की स्थापना हमको जो मुग़ल सेना थी मुग़ल सेना के एक अफगान सिपाही थे जैसे कि हमने ऊपर बात है, जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा 1723 से 24 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी और इसे जो है एक प्रकार से जो एक रानी थी कमला पति इसकी सहायता के लिए यहाँ पर भोपाल उपहार स्वरूप मिला था तो उसी में उसने जो है भोपाल रियासत को यहाँ पर बसाया था दोस्त मोहम्मद खान जो है दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल से 10 किलोमीटर दूर ही जगदीशपुर को जीता था जो कि हमने पीछे देखे जगदीशपुर को यानी कि कब जीता था जी, जगदीशपुर को सत्रह में और इसका नाम उसने क्या रखा इस्लाम नगर ठीक है मतलब एक प्रकार से अपनी राजधानी बनाया जगदीशपुर को जीतकर और इस्लाम नगर उसका नाम रखा मोहम्मद खान ने जो है नवाब की उपाधि ग्रहण की कब सीहोर आष्टा खिलजीपुर गुन्नौरगढ़ और देवपुर देवीपुरा इन सभी को एक प्रकार से आप अपने कब्जे में किया या जीता और जीतने के पश्चात अपने आप को नवाब की उपाधि से घोषित किया देखिए पहले से नवाब नहीं था बाद में ये नवाब की उपाधि से घोषित मतलब अपने आप को नवाब की उपाधि देता है फिर सत्रह सौ में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है तो सत्रह सौ में उसको उसका उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम था यार मोहम्मद खान ठीक है तो यार मोहम्मद खान देखिए यहाँ से इसका जो इसकी मृत्यु हो जाती मतलब इसने जो उपाधि ग्रहण की थी बाद में की थी परंतु अब जब नवाब का बेटा आएगा तो वो ऑलरेडी नवाब कहलाएगा तो इसको हम प्रथम नवाब बोल सकते हैं किसको यार मोहम्मद खान को ये पुत्र था किसका दोस्त मोहम्मद खान का था अब 1818 में मोहम्मद खान के शासनकाल में ही क्या होता है एंग्लो भोपाल की संधि होती है ठीक है अब यहाँ देखें हम तो कुछ हमको विद्रोह देखने को मिलता है तो विद्रोह भी हम यहाँ देख लेते हैं जैसे कि हाँ, मार्च 18 उन्नीस की बात करें तो जो हमिदुल्लाह थे अंतिम नवाब ठीक है तो अंतिम नवाब थे हमिदुल्ला हमिदुल्ला ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी ठीक है मतलब इनको मध्य प्रदेश में शामिल नहीं होना था ये स्वतंत्र रहना चाहते थे पर यहाँ मई 1948 में हम देख सकते हैं नवाब ने भोपाल सरकार एक प्रकार से मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी मतलब एक स्वतंत्र रहने की घोषणा की और मंत्रिमंडल की भी घोषणा कर दी फिर यहाँ हम देख सकते हैं इन्होंने प्रधानमंत्री चतुर नारायण मालवीय को बनाया और ये मतलब इसके पश्चात अगर देखें तो प्रधानमंत्री बनाए गए और इसी समय तक भोपाल रियासत में विलीनीकरण यानी कि मध्य प्रदेश में विलय के लिए विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोह के पक्ष में कौन थे ये चतुर नारायण थे जो कि प्रधानमंत्री थे किसके किसके शासन में हमीदुल्ला, नवाब हमीदुल्ला के शासन में प्रधानमंत्री थे चतुर नारायण और यही थे बिलीनीकरण के पक्ष में ठीक है इसके अलावा जो दिसंबर था दिसंबर 1948 में भोपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे और कई प्रदर्शन मतलब हम देखें तो यहाँ पर आज़ादी का आंदोलन शुरू हो गया अक्टूबर 1948 में जो है ये जो नवाब थे ये हज पर चले गए और दिसंबर में यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रदर्शन होने लगा कई गिरफ़्तारी मतलब कई गिरफ़्तारी की गई पुलिस के द्वारा और तेईस जनवरी उन्नीस को शंकर दयाल शर्मा को जेल हो जाती है आठ माह की ठीक है इसी बीच हम देखें तो जो सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल जिन्हें हम बोलते हैं उन्होंने सख्त रवैया अपनाया और नवाब के पास संदेश भेजा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता और भोपाल को मध्य भारत का हिस्सा बनना ही पड़ेगा इस प्रकार की स्थिति देखकर सरदार पटेल ने यह संदेश किसके पास भेजा हमीदुल्ला के पास नवाब हमीदुल्ला के पास फिर बाद में हम देख सकते हैं भारत में विलय की कहानी तो हम यहाँ देखें उनतीस जनवरी को क्या होता है उनतीस जनवरी उन्नीस को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया ठीक है किसने हमीदुल्ला ने और हमीदुल्ला सारे तरफ से यहाँ पर इसकी हार होती है ठीक है और तीन महीने जमकर यहाँ आंदोलन हुआ हार हो जाती है मतलब तीन महीने जमकर आंदोलन होता है हार हो जाती है और उसके पश्चात तीस अप्रैल उन्नीस को क्या होता है जो नवाब है उसके द्वारा बिलीनीकरण का बिलीनीकरण यानी कि भारत में बिलीनीकरण के पक्ष में जो हस्ताक्षर होता है उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है सरदार पटेल ने नवाब को लिखे पत्र में कहा है कहा था कि मेरे लिए ये एक बड़ी निराशाजनक और दुख की बात थी कि आप के जो है मतलब अविवादित हुनर तथा क्षमताओं को अपने देश के उपयोग में उस समय नहीं आने दिया जब देश को उसकी ज़रूरत थी तो अंततः यहाँ हमको एक जून उन्नीस को भोपाल रियासत को मतलब भोपाल रियासत जो है वो भारत का हिस्सा बन जाती है मतलब वर्तमान में हमको एक प्रकार से ये मध्य प्रदेश की राजधानी देखने को मिलती है ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि भोपाल की कुछ बेगमों के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिलेगी जैसे कुदसिया बेगम सिकंदर जहाँ बेगम शाहजहाँ बेगम के कोसरो जहाँ बेगम बेगम साजिदा ये सभी हम देख लेते हैं एक एक करके पहली बात करते हैं कुदसिया बेगम की तो इनका इनको जो है एक प्रकार से गोहर बेगम भी बोला जाता था और 1819 से अठारह तक इनका शासनकाल हमको देखने को मिलता है और ये जो थी भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी मतलब इसके पहले जो महिला शासिका के रूप में कोई पद पर नहीं आया था परंतु ये प्रथम थी जो महिला शासिका बनी थी इन्होंने जामा मस्जिद गोहर महल गोहर महल ये सभी इमारतों का निर्माण करवाया फिर इनके पश्चात सिकंदर जहां बेगम आती है और इनका शासनकाल अठारह से अठारह तक रहता है वर्ष अठारह में एक क्रांति होती है जिसको अठारह की क्रांति के नाम से जाना जाता है और यहाँ देखिए अंग्रेज़ों का समर्थन इनके द्वारा किया जाता है सिकंदर जहाँ बेगम के द्वारा इन्होंने मोती मस्जिद और मोती महल का भी निर्माण करवाया फिर शाहजहाँ बेगम की बात करते हैं तो अठारह से उन्नीस मतलब इनका शासनकाल हमको देखने को मिलता है और इन्होंने एक नवीन नगर उपनगर की स्थापना की जिसका नाम था शाहजहाँबाद ठीक है फिर के खुसरो जहां बेगम इनकी बात करें तो ये सुल्तान जहां बेगम के नाम से भी इनको जाना जाता था 1901 से 1926 तक इनका शासनकाल रहा और इनका महल जो था एक प्रकार से शौकत महल के नाम से जाना जाता मतलब हम बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में जो भोपाल है भोपाल के नगर निगम का कार्यालय ये शौकत महल ही है फिर इन्होंने एक नया महल भी बनवाया जिसका नाम था नूर उसबा उस मतलब जो कि हेरिटेज होटल के रूप में घोषित कर दिया गया है अब यहाँ देखें हम तो जो के खुसरो जहाँ बेगम थी वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रथम चांसलर भी थी तो ये भी आपको ध्यान में रखना है फिर नेक्स्ट देखते हैं बेगम साजिदा सुल्तान इनका शासनकाल उन्नीस सौ इकसठ से आ, उन, मतलब उन्नीस तक का रहा और बेगम साजिदा जो जो थी वो कई खुसरो जहाँ बेगम मतलब इनकी कई खुसरो जहाँ बेगम की दूसरी बेटी थी यानी कि बड़ी बेटी नहीं थी छोटी बेटी थी जिनका विवाह हमिदुल्ला खान से हुआ था और 9 जून 1926 में हमीदुल्ला खान भोपाल के नवाब बने थे वर्ष 1960 में इनकी मृत्यु हो गई फिर हमिदुल्ला खान की सबसे बड़ी जो पुत्री थी बेगम आविदा वहाँ पर हम देखें तो सुल्तान यानी कि आविदा भारत विभाजन के पश्चात कहाँ चली गई इनकी बड़ी बेटी पाकिस्तान तो इस कारण जो बेगम साजिदा है उसको यहाँ पर शासन की बागडोर संभालना पड़ता है ठीक है नई नवाब वो बनती है और बेगम साजिदा का विवाह पटोदी के नवाब इफ्ते अफ्तर खार जो अली खान है उनसे हुआ था इसी के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं नवाब पटोदी को भोपाल का नवाब भी कहा जाता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ देखें किसके बारे में भोपाल रियासत के बारे में और भोपाल रियासत के पहले भी हमने सभी रियासतों के बारे में यहाँ पे विस्तार से पढ़ा तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़े हैं कम्प्लीट आ, सभी रियासतों के बारे में तो जो जो पाँचवीं यूनिट थी हमारी उसको हमने कम्प्लीट किया है और ये सभी रियासत यानी कि बुंदेलखंड बघेलखंड गोंडवाना साम्राज्य सिंधिया भोपाल और होलकार ये कंप्लीट हमारा हो गया यानी कि अब आपका इकाई पाँच इकाई पाँच इसके पहले हमारा जो है इकाई एक भी कंप्लीट हो चुका है इकाई दो भी इसके अलावा इकाई तीन भी और इकाई चार इसके अलावा आज हमने देखे हैं इकाई पाँच तो ये कंप्लीट हमारा हो गया है मतलब पेपर वन का ए ठीक है खंड आ प्रश्न पत्र इतिहास के बारे में जो कि हमने पढ़ना था अब दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ हम देख सकते हैं दूसरा भूगोल के बारे में हमको पढ़ना है तो ये डेढ़ सौ का है यानी कि टोटल मिलाकर ये तीन सौ मार्क्स का होता है तीन घंटे का ठीक है